हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर कैम। आज हम लोग बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स की। थर्मोडायनेमिक्स के साथ साथ जो शेड्यूल में पड़े हुए हैं वो पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन और मेटलर्जी भी पड़े हुए हैं। पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के पूरे इन डेप्थ बढ़िया वीडियोस मैंने पहले से बना रखे हैं, जिसमें एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन कवर है और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो ज़रूरत थी वो मैंने दे रखी है। तो उन वीडियोज़ को जाके पहले देख लेना है खाली टाइम में। थोड़े लंबे होंगे वो, 40-40 मिनट के वीडियो होंगे हर ब्लॉक पे, हर ग्रुप पे, तो उन्हें पूरा देखना है बढ़िया से, ठीक है। मैं एक शीट डिस्कस करूँगा जिसमें मेटलर्जी और ब्लॉक केमिस्ट्री पूरी ही डिस्कस होगी, और हम लोग जिसमें 100 क्वेश्चन लगभग पीवाईक्यूज के करेंगे, उसे देखना कंपलसरी होगा सभी के लिए, क्योंकि बिना उसके तुम्हें शब्दाल को क्रैक करना नहीं आएगा। तुम कितनी ही ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक याद कर लो। थर्मोडायनेमिक्स के भी मैं दो वीडियो बनाऊंगा क्योंकि लेंथ बहुत ज़्यादा होने वाली है। कुछ पार्ट मैंने लिख के रखा है, एक थर्मोडायनेमिक्स का बनाऊंगा और एक थर्मोकेमिस्ट्री का बनाऊंगा, दो वीडियोस बनाऊंगा, या देखते हैं अगर एक में भी हो जाएगा काम तो एक में कर देंगे। लेंथ मेरी समझ से 2.5 से 3 घंटे तक होनी चाहिए इस वीडियो की। ये टाइम लगेगा, इसमें बहुत तेज़ी से नहीं चल सकते क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री है। अगर हमें नहीं समझ में आया प्रोसेस तो एडवांस लेवल के सवाल नहीं लगेंगे। हमें तरीका क्या ढूंढना है, हमें एडवांस लेवल के सवालों को करने का तरीका ढूंढना है। मेरी बात से कनेक्टेड फील कर रहे हो तो बताना मेरे को, है ना। और हम लोग अपना थर्मोडायनेमिक्स पर डिस्कशन शुरू करते हैं। मैंने पिछला वीडियो बनाया था कि जो मिस्टेक हम कर रहे थे उसे इम्फेसिस किया था, तो ये वीडियो भी अगर थर्मोडायनेमिक्स पे तुम्हें जो बात आती हो उसे तुम स्किप करके आगे बढ़ सकते हो, या 1.5x 2x पे करके देख लेना जहाँ पे स्लो लगे वीडियो, और बाकी फिर सवालों पे ज़्यादा जोड़ देंगे। तो इस बारी इस सेक्शन में वीडियो थोड़े से ज़्यादा होंगे, ध्यान रखना। एक थर्मोडायनेमिक्स का होगा, एक थर्मोकेमिस्ट्री का होगा, या दोनों मिला के एक बड़ा वीडियो होगा। एक वीडियो होगा पीवाईक्यूज केवल ब्लॉक केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, और एक थर्मोडायनेमिक्स का पीवाईक्यू होगा, और एक थर्मोडायनेमिक्स की पूरी एक शीट होगी बड़ी सी, ठीक है, एडवांस प्रॉब्लम शीट, जिसमें थोड़े से इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन भी बढ़िया बढ़िया मैं सब्जेक्टिव टाइप के डाल लूँगा, जिससे तुम्हें थोड़ा सा और ग्रिप मिले। सवाल लगाना बहुत ज़रूरी है यार, 70-30 या 60-40 अपनी कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से टाइम को डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी है, ठीक है। चलो भाई आगे हम लोग अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स की। बिल्कुल बेसिक से शुरू करूँगा और एडवांस लेवल तक चलेंगे हम लोग। सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना सीखना है रादर देन भागना, है ना, ठीक है। तो इन डेप्थ की बात करें तो डेप्थ में ही बात करेंगे, तो शुरू करते हैं थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स का मतलब क्या होता है? थर्मो मतलब होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर रिलेटेड होता है किससे? एनर्जी से। थर्मो का मतलब है क्या? थर्मो का मतलब है टेम्परेचर, और टेम्परेचर रिलेटेड होता है डायरेक्टली एनर्जी से, ठीक। और डायनेमिक मतलब होता है मूवमेंट। तो बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स जो है वो एनर्जी के मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है कि कैसे एनर्जी फ्लो होगा, कैसे मूवमेंट करेगा, ठीक है। तो मूवमेंट ऑफ एनर्जी के बारे में बात कर रहा है। अब थर्मोडायनेमिक्स शुरू करने से पहले अगर जिसने कभी नहीं पढ़ी है तो उसके लिए भी मैं थोड़े थोड़े बेसिक टर्म से शुरू कर रहा हूँ। बेसिक टर्म जैसे सिस्टम क्या होता है? सिस्टम इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन। जिस भी पार्ट को यूनिवर्स के हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, देख रहे हैं, वो हमारा क्या कहलाएगा? वो हमारा सिस्टम कहलाएगा, जो हमारी अंडर ऑब्जर्वेशन है, जैसे हम देख रहे हैं। मान लेते हैं कि अगर हम इस पेन को देख रहे हैं तो हमारा पेन क्या है? सिस्टम। और इसके इर्द गिर्द जो भी कुछ है वो क्या है? वो है सराउंडिंग, ठीक है। तो सिस्टम क्या है? अवर पेन इज अवर सिस्टम एंड एवरीथिंग एल्स अराउंड इट इज सराउंडिंग। तो सराउंडिंग इज दैट पार्ट ऑफ यूनिवर्स विच इज अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग, ठीक। तो यूनिवर्स कैसे बना होगा? यूनिवर्स बना होगा सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें तो यूनिवर्स बन जाएगा भाई। सिस्टम और सराउंडिंग को अगर हम जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? यूनिवर्स बन जाएगा। अब अगर सिस्टम और सराउंडिंग को हमें अलग अलग डिफाइन करना है कि सिस्टम ये है, सराउंडिंग ये है, तो कैसे करेंगे? सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली एक बाउंड्री होगी। क्या होगी? एक बाउंड्री होगी जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही होगी। अब बाउंड्री की डेफिनेशन क्या होगी? विच सेपरेट सिस्टम्स फ्रॉम द सराउंडिंग। सिंपल बात है। अब बाउंड्री कैसे हो सकती है? रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। जैसे मान लो अगर हमारा सिस्टम खुद हम ही है, मतलब मैं अपने आप को अपना सिस्टम मान लूँ, तो हमने अपने चारों तरफ एक इमेजिनरी बाउंड्री बना रखी है और ये कह रखा है कि भाई इस बाउंड्री के अंदर किसी को आना परमिट नहीं है। हम अगर वहाँ पर आएगा तो फिर लड़ाई हो जाएगी हमारी, है ना।
तो इंट्रैक्शन शुरू होगा, तो वो बाउंड्री है। और बाउंड्री कोई जरूरी नहीं बिल्कुल टच करती हुई हो, इमेजिनरी भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है। अगर हम जेल के अंदर तुम्हें बंद कर दें या किसी पिंजरे में बंद कर दें जानवर को, तो उसके लिए बाउंड्री होगी, या इमेजिनरी बाउंड्री हम कहते हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करके रखनी चाहिए, तो वो बाउंड्री है बेसिकली हमारी। तो इमेजिनरी भी हो सकती है और रियल भी हो सकती है। बिल्कुल बात क्लियर, इतनी बात समझ में आनी चाहिए क्या सिस्टम और सराउंडिंग कैसे हो गए। सिस्टम और सराउंडिंग काउंटर पार्ट्स हैं एक दूसरे के, दोनों मिलके यूनिवर्स बना रहे हैं। सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट करने वाली जो चीज़ है उसे हम बाउंड्री कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। बाउंड्री रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। तुम किसी भी, जैसे इस पेन के चारों तरफ कैसी बाउंड्री हमने मान ली? इमेजिनरी, कि अगर इसके पास ज़्यादा पहुँचेंगे या टच करेंगे तो इसे करंट लग जाएगा, तो उसके पास इमेजिनरी बाउंड्री है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह समझ सकते हैं अगर बाउंड्री को वैसे समझना हो इमेजिनरी। अब टाइप्स ऑफ बाउंड्री कैसी हो सकती हैं? टाइप्स ऑफ बाउंड्री एक तो रियल और इमेजिनरी हो सकती है। एक टाइप तो हमने ये लिखा था कि कैसी हो सकती है, कि रियल और इमेजिनरी हो सकती है। कैसी हो सकती है? इमेजिनरी, या पेन से लिख ही देता हूं, इमेजिनरी हो सकती है और रियल हो सकती है। एक तरीका तो ये था। अब अगर हमें हीट ट्रांसफर के बेसिस पे देखना हो, हीट ट्रांसफर के बेसिस पे कैसे देखेंगे? हीट ट्रांसफर के बेसिस पे जो बाउंड्री होगी वो दो तरह की होगी, डायथर्मल बाउंड्री होगी और एडियाबेटिक बाउंड्री होगी। डायथर्मल बाउंड्री का मतलब है विच अलाउज द हीट एक्सचेंज, जो हीट एक्सचेंज को अलाउ करे वो कैसी बाउंड्री है? वो डायथर्मल बाउंड्री है। और एडियाबेटिक बाउंड्री वो है जो हीट एक्सचेंज को अलाउ ना करे। तुमने देखा होगा जैसे अगर स्टील के ग्लास में हम गरम गरम चाय ले लें तो वो ऑलमोस्ट डायथर्मल बाउंड्री है, क्योंकि जो चाय के अंदर का टेम्परेचर है वही लगभग स्टील कंडक्टर होती है तो वो वही बाहर का टेम्परेचर होता है। लेकिन अगर हम कोई थर्मोस्टेट ले लें, थर्मस ले लें जिसमें बॉटल में पानी गर्म वाला रखते हैं, अगर हम वो ले लें तो उसकी बाउंड्री कैसी है? एडियाबेटिक बाउंड्री है, डायथर्मल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो हीट एक्सचेंज को अलाउ नहीं कर रही। हमने गर्म गर्म खोलता हुआ पानी भी अंदर डाल, लेकिन बाहर से बॉटल ठंडी मालूम हो रही है हमें, तो इसका मतलब वो कैसी बाउंड्री है? एडियाबेटिक बाउंड्री है। अब बात करते हैं सिस्टम कितने तरह के हो सकते हैं। तो सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हीट एक्सचेंज एंड मास, ठीक, सिस्टम हीट एक्सचेंज और मास के बेसिस पे तीन तरह के हो सकते हैं। पहला सिस्टम होता है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम कौन सा सिस्टम होता है? जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो, जिसमें मास और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल हो, ऐसा कौन सा सिस्टम होता है? ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं ओपन सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो जिसमें मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो सकती हैं उसे हम क्या कह रहे हैं? उसे हम कह रहे हैं ओपन सिस्टम। तो इसे अगर हाईलाइट करना है तो इसे हाईलाइट कर लेते हैं। जैसे मास और हीट दोनों एक्सचेंज हो रही है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे ओपन सिस्टम। इसका सिंपल एग्जाम्पल अगर देखें तो हॉट टी इन ए कप, अगर हमने चाय ले ली एक कप में तो क्या होगा? चाय के ऊपर जो वेपर्स निकल रहे होंगे वाटर से, वो सराउंडिंग में जा रहे होंगे, वापस चाय पे तो गिर नहीं रहे, तो उससे मास एक्सचेंज हो रहा है और रखे रखे चाय ठंडी भी हो रही है तुम्हारी, हो रही है चाय या दूध कॉफ़ी कुछ भी कह लो ठंडी तो हो रही होगी ना। तो क्या हो रहा है? वो एनर्जी भी एक्सचेंज कर रही है और मास भी एक्सचेंज कर रही है। मास कैसे एक्सचेंज कर रही है? क्योंकि जो वेपर्स निकल रहे हैं, वाटर वेपर्स जो निकल रहे हैं, वो क्या हो रहा है? वो सराउंडिंग में जा रहे हैं और वापस चाय में नहीं आ रहे हैं। अच्छा, चाय से निकलते हुए वो वाटर वेपर सबने देखे? कमेंट में बताना किसी ने देखे या नहीं देखे। खैर, मैं अगली लाइन में बता दूंगा तुमने देखे हैं, तुमने ध्यान नहीं दिया, ठीक। दूसरा सिस्टम कैसा है? क्लोज सिस्टम है। क्लोज सिस्टम ऐसा होता है जिसमें मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है। क्या अलाउड नहीं होता है? मास ट्रांसफर इज नॉट अलाउड। अलाउड क्या होता है? ओनली हीट ट्रांसफर। हीट ट्रांसफर अलाउड होता है लेकिन मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होता है, ठीक। हीट ट्रांसफर अलाउड होगा, मास ट्रांसफर अलाउड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे? हॉट टी इन ए कप लेंगे और उस पर क्या लगा देंगे? ढक्कन लगा देंगे। तो जो हमारा कप था, अब हम उस पर क्या रखते हैं? एक प्लेट लगाते हैं यहाँ पे। तो इसमें जो चाय भरी थी उससे क्या होगा? वाटर वेपर जाएंगे, टकराएंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। तो हमने वेपर्स डिपॉजिट होते हुए देखे होंगे लिड पे। तो वो क्या है? वो हमारा कैसा सिस्टम है? क्लोज सिस्टम है। उसमें एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, चाय ठंडी तो हो रही है लेकिन उससे वाटर वेपर बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम, ठीक। इसके बाद बात आती है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम क्या है? इन एन आइसोलेटेड सिस्टम बोथ मास एंड एनर्जी डू नॉट गेट एक्सचेंज विद द सराउंडिंग, यानी कि अब हम मास को भी एक्सचेंज नहीं होने देंगे और हीट को भी एक्सचेंज नहीं होने देंगे, और जब दोनों एक्सचेंज नहीं हो पाएंगे तो हम कहेंगे ऐसा सिस्टम कैसा है? आइसोलेटेड है। अभी हम लोग कोविड से
दौर से निकल के आए हैं, तो सब लोग आइसोलेशन का मतलब अच्छे से जानते हैं, जिसमें ना तो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है ना मास होता, हम लोग कुछ भी एक दूसरे के कॉन्टैक्ट में नहीं आते हैं, है ना। तो आइसोलेटेड सिस्टम भी क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें मास तो एक्सचेंज, आइसोलेटेड सिस्टम जिसमें मास भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है और हीट भी एक्सचेंज नहीं हो रही है। अब हमने उसी चाय को क्या किया, उसी चाय को हमने एक थर्मोस्टेट फ्लास्क में रख दिया, एक हॉट बॉटल में रख दिया, जिससे जिसमें 24 घंटे तक चाय गर्म रहती है, ऐसे किसी मतलब कप में रख दिया या बॉटल में रख दिया, तो थर्मोस्टेट फ्लास्क उसका एक अच्छा एग्जांपल है। अब ये तो हो गया टाइप ऑफ सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ हीट और मास ट्रांसफर। अब ऑन द बेसिस ऑफ कंपोजिशन की बात करें, तो कंपोजिशन के बेसिस पे सिस्टम दो तरह के हो सकते हैं, कैसे, होमोजीनियस हो सकते हैं और हेटरोजीनियस हो सकते हैं। होमोजीनियस ऐसा सिस्टम होगा जिसमें केवल एक फेज होगी, क्या सॉलिड लिक्विड या गैस, कोई एक फेज होगी, तो हम उसे कैसा कहेंगे सिस्टम, उसे हम होमोजीनियस सिस्टम कहेंगे। और हेटरोजीनियस सिस्टम वो होगा जिसमें एक से ज्यादा फेज होंगी अवेलेबल। ठीक, ये बेसिक बातें थी सिस्टम के बारे में और बाउंड्री के बारे में। ठीक, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम। किसी भी सिस्टम को डिफाइन करने के लिए थर्मोडायनेमिक्स में मेजरेबल क्वांटिटीज को प्रॉपर्टी कहते हैं। क्या कहते हैं, किसी भी सिस्टम की कोई पर्टिकुलर स्टेट जानने के लिए मेजरेबल जो क्वांटिटीज हैं उसे थर्मोडायनेमिक्स में हम क्या कहते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम कहते हैं। जैसे हम पीवीटी ले लें, जिसे प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर, जिसे हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कह सकते हैं। ठीक बात। अब प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम दो तरह की हो सकती हैं, कैसी कैसी, एक हो सकती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और दूसरी हो सकती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। दोनों में डिफरेंस क्या है भाई, ये सीधे सीधे क्वेश्चन जेई में पूछा जा चुका है पहले प्रीवियस ईयर में, अब तो थोड़े से मुश्किल सवाल आने लगे हैं, तो थोड़ा हम लोग बेसिक इन्फॉर्मेशन इसकी भी पता रखते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में भी इस बात का यूज़ होगा। अब देखो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो थर्मोडायनेमिक्स पढ़ने का ये मतलब कतई नहीं है कि केवल थर्मोडायनेमिक्स में ही काम आई। अगर थर्मोडायनेमिक्स में काम आई तो फिर बर्बाद चली गई थर्मोडायनेमिक्स। केमिकल इक्विलिब्रियम में काम आएगी, आयनिक इक्विलिब्रियम में काम आएगी, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में काम आएगी, केमिकल काइनेटिक्स में काम आएगी, इनफैक्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में काम आएगी और इनऑर्गेनिक में भी काम आती है। अगर हीटिंग इफेक्ट के बारे में बात करें, जो चीज़ हम याद करने की सोचते हैं असल में वो याद करने की नहीं, वो पूरी केमिस्ट्री का जूस निकाल के अगर हम एक किसी कंसेप्ट पे लगा दें तो हमारा काम चल जाएगा बहुत बढ़िया। ठीक, अब इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे या मैटर एसोसिएटेड पे डिपेंडेंट नहीं करती है। जो मास पे डिपेंड नहीं करती वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। जैसे तुम्हारा गुस्सा, ऐसा हम नहीं कह सकते कि मोटे आदमी को ज़्यादा गुस्सा आता, पतले आदमी को कम आता, उससे मास पे डिपेंडेंट गुस्सा नहीं है। ठीक, डेंसिटी किसी चीज़ की, डेंसिटी मास अपॉन वॉल्यूम होता है, लेकिन डेंसिटी इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। कैसे, अगर हम एक लीटर पानी ले लें तो भी डेंसिटी उसकी 1 ग्राम पर सीसी है, 1000 लीटर ले लें तो भी 1 ग्राम पर सीसी, ऐसे थोड़ी 1000 लीटर लिया तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो डेंसिटी कैसी है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया, विस्कोसिटी हो गई, प्रेशर हो गया, मोलर हीट कैपेसिटी हो गई, बॉइलिंग पॉइंट हो गया, फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, मोलर वॉल्यूम हो गया, मोलर एंट्रोपी हो गया या मोलर इंथैल्पी हो गया, ये सारी कैसी है, ये हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास या मैटर एसोसिएटेड इट पे डिपेंड नहीं करती हैं। इतनी बात समझ में आया, इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या हो गई, जो मास या मैटर एसोसिएटेड विद इट पे डिपेंड नहीं करती, मीन्स दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। यानी डेंसिटी कंपोजिशन पे तो डिपेंड थोड़ा बहुत कर सकती है, लेकिन मास पे डिपेंड नहीं करेंगी किसी पर्टिकुलर, जैसे डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, विस्कोसिटी, प्रेशर, टेम्परेचर, मोलर हीट कैपेसिटी, बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर वॉल्यूम, मोलर एंट्रोपी, या किसी भी चीज़ में मोलर लगा दें तो वो क्या बन जाएगी, वो इंटेंसिव बन जाएगी। अब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी वो है जो मास पे डिपेंडेंट होती हैं, उन्हें हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कहते हैं। जो मास पे या मैटर एसोसिएटेड पे डिपेंडेंट होती हैं उन्हें हम कहते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम हो गया, नंबर ऑफ मोल्स हो गए, मास हो गया, हीट कैपेसिटी हो गया, फ्री एनर्जी हो गया, एंट्रोपी हो गया या एंथैल्पी हो गया, सारी किस पे, मास पे डिपेंड करेंगी, तो हम इन्हें क्या कहेंगे, इन्हें हम कहेंगे एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल बात है। अब
इम्पॉर्टेंट बात क्या है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एडिटिव इन नेचर होती हैं। एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, इसे अगर हम हाईलाइट ही कर लें, एडिटिव इन नेचर का मतलब क्या है, हमें यह बात समझना पड़ेगा कि वॉट इज एडिटिव इन नेचर। मतलब अगर एक प्रॉपर्टी M1 है और दूसरी M2 है तो फाइनली हम इसे M लिख सकते हैं, विच इज इक्वल टू M1 प्लस M2, ठीक। लेकिन इंटेंसिव प्रॉपर्टीज एडिटिव नहीं होती हैं। जैसे अगर हम डेंसिटी एक की मॉलिक्यूल की ले लें, एक लिक्विड की ले लें D1 और इसकी ले लें D2, तो ये फाइनली D के बराबर नहीं होंगी, ठीक। यानी ऑयल और वाटर की डेंसिटी मिला के पूरे मिक्सचर की डेंसिटी हम नहीं बता सकते। तो इसका मतलब यह है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैसी हैं, एडिटिव हैं, और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज नॉन एडिटिव हैं। जैसे दो बंदों का मास अगर जोड़ दें तो पूरे सिस्टम का मास निकल आएगा, लेकिन दो बंदों का गुस्सा नहीं जोड़ सकते हम कि नेट गुस्सा निकालने, हम ऐसा नहीं कर सकते, ठीक। बात समझ में आनी चाहिए आसानी से, ठीक। अब एक बात और इंपॉर्टेंट है क्या, कि रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज ऑलवेज इंटेंसिव। जो दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का रेशियो है वो हमेशा कैसा होता है, इंटेंसिव होता है। जैसे फोर्स अपॉन एरिया ले लें, फोर्स भी एक्सटेंसिव है और एरिया भी एक्सटेंसिव है, तो उसका जो रेशियो आएगा वो इंटेंसिव आएगा। यानी प्रेशर जो है वो हमारा कैसा हो गया, इंटेंसिव हो गया, ठीक। अब स्टेट वेरिएबल और स्टेट फंक्शन की बात करें, जैसे वेरिएबल जो हमने लिए थे वो हमने क्या लिए थे, पीवीटी, उन्हें हम स्टेट फंक्शन भी कह सकते हैं और स्टेट वेरिएबल भी कह सकते हैं, क्योंकि वो केवल एक पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की किसी एक स्टेट पे डिपेंड करते हैं। क्या करते हैं, किसी पर्टिकुलर थर्मोडायनेमिक सिस्टम की पर्टिकुलर स्टेट पे डिपेंड करते हैं, और वो स्टेट कैसे अचीव हुई इस पे डिपेंडेंट नहीं होते हैं। मतलब अगर हम में पहुंचे कि हम अभी हमारी 30 दिन पहले आईआईटी से जो पोजीशन है और आईआईटी के अंदर पोजीशन, दुनिया वाले कैसे देख रहे हैं हमें, एज ए स्टेट फंक्शन देख रहे हैं कि तुम एक बार आईआईटीएन हो और एक बार नहीं हो, तुम कैसे पहुंचे, तुम्हारे तुक्के लग गए थे, तुमने डेक्स्टर कैम फॉलो किया, तुमने एक्स फॉलो किया, वाई फॉलो किया, किससे पढ़े, हार्डली मैटर्स। अगर तुम आईटीएन हो तो हो, नहीं हो तो नहीं हो, ठीक। कैसे अचीव हुई वो स्टेट इस पर डिपेंड नहीं करते, लेकिन किस पर डिपेंड करते हैं, इनिशियल और फाइनल स्टेट पर। तो मतलब मैंने ये बॉक्स बना के दिखाया है कि अगर इनिशियल स्टेट हमारी कैसी है, पी वन वी वन टी वन, और फाइनल स्टेट पी टू वी टू टी टू है, तो P1V1T1 से P2V2T2 कैसे पहुंचे, दिस इज कॉल्ड स्टेट functions। कैसे आए, स्लो आए, फास्ट आए, एडियाबेटिकली आए, आइसोथर्मली आए, कैसे आए, इट हार्डली मैटर्स। किस तरीके से आए ये कोई भी मैटर नहीं कर रहा है। मेरी बात समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल आराम से बात कर रहा हूँ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब मैथमेटिकल कंडीशन फॉर अ फंक्शन टू बी स्टेट फंक्शन, अगर हम ए टू बी इंट्रीगल करें तो वो साई बी माइनस फाई बी माइनस फाई ए के बराबर आना चाहिए, वेयर फाई इज ए स्टेट फंक्शन। मतलब सीधे सीधे डायरेक्टली इंट्रीग्रेट हो जाना चाहिए, उसे इनिशियल और फाइनल स्ट्रिप की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सीधे सीधे वैल्यू निकाल देंगे। अगर जो फाई है अगर स्टेट फंक्शन है तो इसे हम कहते हैं साइक्लिक इंट्रीग्रल। क्या कहते हैं इसे, साइक्लिक इंट्रीग्रल। यानी क्लोज लूप में अगर हम इंट्रीग्रेट करेंगे तो ए से ए ही पहुंचेंगे, तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा साइक्लिक इंटीग्रल में क्या होगा, वो जीरो आएगा। साइक्लिक इंटीग्रल अगर कोई स्टेट फंक्शन है, यानी कि अगर हम जहाँ से चले थे उसी पोजीशन पे वापस पहुँच गए, तो हम उसे क्या कहेंगे, वो एक स्टेट फंक्शन होगा, ठीक। हम यहाँ से चले थे और घूम के फिर यहीं पे आ गए, तो ये क्या हो गया, ये स्टेट फंक्शन हो गया हमारा, ठीक। बात समझ में आ गई, स्टेट फंक्शन क्या है कि जो केवल स्टेट पर डिपेंड करे, उस प्रोसेस पर डिपेंड ना करे कि कैसे अचीव हुई है। स्टेट फंक्शन के एग्जांपल जैसे देख लें तो पीवीटी यानी प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, जी मींस, जो जिन्होंने बिल्कुल थर्मोडायनेमिक्स नहीं पढ़े उनके लिए लिख देता हूं, गिब्स फ्री एनर्जी, एच इज एंथैल्पी, यू इज इंटरनल एनर्जी, एस इज एंट्रोपी। ये क्या है, स्टेट फंक्शन है। पाथ फंक्शन क्या है, पाथ फंक्शन ये है कि तुम किस पाथ से पहुंचे हो, ठीक, किस पाथ से चले हो, इस पे डिपेंड करने लगे जब फंक्शन, तो हम उसे कहते हैं पाथ फंक्शन। और पाथ फंक्शन जैसे एग्जांपल है वर्क और हीट, कि कोई काम तुमने किया, अब जैसे तुम मान लो हिमालय चढ़ने गए, माउंट एवरेस्ट चढ़ने गए, तो वो तुमने कितना वर्क किया ये डिपेंड करेगा कि तुमने कैसे पाथ को फॉलो किया, ठीक।
पाथ फॉलो किया। एक तरीका ये है कि तुमने प्रॉपर ट्रैक किया और ट्रैक करते करते तुम हिमालय चढ़ गए पूरे एवरेस्ट तक, ठीक। दूसरा तरीका क्या है कि तुम सीधे हेलीकॉप्टर से गए और वहाँ एयर ड्रॉप हो गए, तो तुमने जो वर्क किया वो अलग अलग आएगा दोनों सिचुएशन में, तकलीफ अलग अलग होगी। तो इसे हम कहते हैं क्या, वर्क जो है वो पाथ फंक्शन है भाई, जो ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है जो कम घंटे पढ़ रहा है उसका पाथ अलग अलग है ना, पढ़ने का तरीका अलग अलग है ना, तो इसे हम क्या कहेंगे, पाथ फंक्शन कहेंगे, ठीक। अब बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस की। थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस का अगर एग्जांपल तुम बता दो मेरे को कमेंट करके, बिना पूरी बात सुने यहीं पे रोक के वीडियो पॉज करना और यहीं बता देना कि रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई एग्जांपल तुम्हें याद आ रहा हो तो बताना, मैं रिप्लाई करूंगा तुम्हें कि तुम देखते क्या सोच पाते हो रिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जांपल क्या आ रहा है, ठीक है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा है, रिवर्सिबल प्रोसेस अ प्रोसेस विच इज कैरीड आउट स्लो स्लोली, कैसे कर रहे हैं, बहुत स्लोली कर रहे हैं, बहुत स्लो, क्वासी स्टैटिकली कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, क्वासी स्टैटिकली। सो स्लोली का मतलब क्वासी स्टैटिकली, क्वासी स्टैटिकली, क्वासी स्टैटिकली का मतलब बहुत स्लो, अल्ट्रा स्लो कर रहे हैं। दैट द सिस्टम एंड द सराउंडिंग ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, यानी हमने सराउंडिंग को डिस्टर्ब भी नहीं होने दिया, तो हमने क्या कहा, वो प्रोसेस हमने कैसा किया, रिवर्सिबली किया। जैसे तुम चुपके से उठे, धीरे से किसी को डिस्टर्ब किए बिना टीवी पे फीफा लगा के देखने लगे और म्यूट करके, और किसी को पता नहीं लगा, तुमने मैच भी देख लिया और बंद भी कर दिया, तो वो प्रोसेस कैसा हुआ, रिवर्सिबल। ऐसा एक्चुअली नहीं हुआ लेकिन तुम्हें लगेगा रिवर्सिबल हुआ, किसी को डिस्टर्ब भी नहीं किया और हमने अपना प्रोसेस कर भी लिया, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। मेरी बात समझ में आ रही कि रिवर्सिबल प्रोसेस कैसा है, जो बहुत स्लो हो जिससे सराउंडिंग बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो, इतना स्लो कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, जैसे छिपकली चलती कभी कभी बैठी रहती बहुत देर तक, फिर एक कदम धीरे से आगे बढ़ाती, या तुम चींटी की रफ्तार देख लो, शेर के कंपैरिजन में चींटी चल ही नहीं रही लेकिन चल तो रही होती है, ठीक। अब प्रोसेस बहुत स्लो होगा तो हम उसे क्या कहेंगे, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस कहेंगे, या फिर हम उसे कहेंगे क्वासी स्टैटिकली हो रहा है तो कैसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। अब अगर रिवर्सिबल नहीं है तो वो कैसा है, इरिवर्सिबल है। अगर रिवर्सिबल नहीं है तो कैसा है, इरिवर्सिबल है। इसके एग्जांपल मैंने लिए हैं, एग्जांपल हम क्या कर रहे हैं, इसे एक बार थोड़ा सा इरेज कर दूं तो मैं बताते हैं कैसे लिया, ठीक। तो हमने दो सिचुएशन ले ली, ठीक, दो सिचुएशन ली, इसमें 10 kg की हमने ब्लॉक्स ले लिए और इसमें 10 kg की शुगर ले ली। 10 kg की शुगर ली और इस पर प्रेशर है, सब में गैस इक्वल, एक जैसी ही गैस इसमें भी फिल्ड है, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, एक ही गैस है, सब में मोल्स वोल्स सब कुछ बराबर है। ये शुगर को क्या हुआ, शुगर रखोगे तो थोड़ी देर में एक चींटी आएगी और चींटी अपना एक एक शुगर का पार्टिकल लेके जाने लगेगी, ठीक, जाने लगेगी। तो शुगर का अगर एक पार्टिकल चींटी उठाए तो लिटरली कोई फर्क पड़ेगा, बताओ, तुम्हें लगेगा अरे कोई फर्क नहीं पड़ रहा यार, उठाने दो, क्या दिक्कत है। बहुत देर तक चींटियां ऐसा करती रहेंगी तो जो पिस्टन की ओरिजिनल हाइट थी, देखो वो पिस्टन ऊपर चला गया और चींटियां थोड़ी चीनी तो खाई गई होंगी, तो पिस्टन स्लोली ऊपर गया होगा लेकिन हमें पता नहीं चला होगा। लेकिन अगर 10 kg का ब्लॉक है इसमें है और हम 1 kg का 2 kg का ब्लॉक रिमूव करें, तो हम ये ब्लॉक रिमूव करेंगे तो ये पिस्टन यहां से यहां तक कैसे आएगा, जर्क के साथ आएगा, झटका लगेगा और सट से ऊपर आ जाएगा, ऐसे करके ऐसे आएगा, ठीक, झटके से ऊपर आएगा। तो ये कैसा है, इरिवर्सिबल प्रोसेस। दोनों को हमने 3 kg ही हटाया लेकिन एक में चींटियों से हमने शुगर हटवाई 3 kg और एक में हमने क्या किया, ब्लॉक हटा दिए, तो किस में झटका लगेगा, ब्लॉक्स में झटका लगेगा, सिंपल बात है। या तुम इसका एग्जांपल और समझ सकते हो कि जैसे अगर तुम अपनी घड़ी देखो, जो क्लॉक लगी है दीवार पे, अगर उसे देखो ध्यान से तो तुम्हें लगेगा कि घंटे वाली स्विंग मूव ही नहीं कर रही, वो वहीं की वहीं है, जबकि सेकंड वाली लगातार मूव कर रही है। तो घंटे वाली स्विंग मूव तो कर रही होगी लेकिन तुम्हें पता नहीं चल पाएगा, वो इतनी स्लो मूव कर रही है, तुम उसे मेजर नहीं कर पाओगे। मिनट वाली स्विंग को देखोगे तो तुम्हें लगेगा टिक टिक आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन जो
सेकंड वाली सुई होगी वो लगातार मूव करती रहेगी तो मैं दिखाई दे रही होगी, ठीक। तो चींटी अगर शुगर ले गई तो वो प्रोसेस कैसा है रिमूव करने का, 3 kg इसमें से भी रिमूव किया तो ये कैसा है, स्लो है, और ये जर्क के साथ हुआ तो ये कैसा प्रोसेस है, फास्ट प्रोसेस है। तो ये प्रोसेस कैसा हो गया, ये हो गया इरिवर्सिबल और ये हो गया रिवर्सिबल। आई होप मेरी बात क्लैरिटी से समझ में आ रही होगी सबको, ठीक। अब दीज टू प्रोसेस कैन बी ऑफ द फॉलोइंग टाइप, ये दो प्रोसेस हैं जो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल हैं। हमें केमिस्ट्री में दोनों तरह के प्रोसेस पढ़ने हैं, रिवर्सिबल भी पढ़ने हैं और इरिवर्सिबल भी पढ़ने हैं। तो ये दोनों प्रोसेस कितने तरह के हो सकते हैं, ये प्रोसेस कुछ 5-6 तरीके के हो सकते हैं, हम लोग देख लेते हैं। पहला प्रोसेस क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब है, आइसो मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब जहां पे भी आइसो आ जाए इसका मतलब क्या है, आइसो का मतलब सेम है, कहीं पे भी आ जाए ये शब्द, आइसो का मतलब सेम है। तो आइसोथर्म का मतलब है टेम्परेचर सेम, टेम्परेचर सेम का मतलब है टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। डेल्टा टी जीरो का मतलब क्या है, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, पूरी स्पेलिंग लिख दूं, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है जिस प्रोसेस में उसे हम कहते हैं आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर उसके बाद है एडियाबेटिक प्रोसेस, इसे एडायबेटिक प्रोसेस मत कहना भैया, बायो नहीं पढ़ा रहे हम लोग, है ना, डायबिटीज नहीं किसी को, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है। एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं होती है, हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं हो रही है उस प्रोसेस को हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं, जिसमें हीट एक्सचेंज अलाउ नहीं हो रही है उसे हम एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। तो इसमें डेल्टा क्यू जीरो होगा, तो चेंज इन हीट कैसी होगी, जीरो होगी, ठीक। आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस क्या होता है, जिसमें टेम्परे बार मतलब प्रेशर की यूनिट है, तो जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे। जिसमें प्रेशर कांस्टेंट है उसे हम क्या कहेंगे, आइसोबैरिक प्रोसेस कहेंगे, उसमें टेम्परेचर हमारा फिक्स है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा, ठीक। अगला प्रोसेस क्या है, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक प्रोसेस कौन सा होता है, जिसमें वॉल्यूम, कोर माने वॉल्यूम, तो जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट है उसे हम कहेंगे आइसोकोरिक प्रोसेस। बात बिल्कुल सिंपल और सीधी है, समझ में आनी चाहिए ही चाहिए सबको, मैं मान रहा हूँ कि समझ में आ रही होगी। बिल्कुल यार ड्रामेबाजी मत करो, सीरियस होकर पढ़ो, बहुत कम टाइम बचा है, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, है ना। अब यार लोग कहते हैं मैं मुस्कुराता नहीं हूँ, कैसे मुस्कुराऊँ, बात बहुत गंभीर कर रहा हूँ ना यार, तुम्हारे सिलेक्शन की बात है, ठीक। तो मुस्कुराने से कोई फ़ायदा नहीं, पढ़ते रहो बस अच्छे से। साइक्लिक प्रोसेस कौन सा है, इन विच इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम, जिसमें इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है उसे हम साइक्लिक प्रोसेस कहते हैं। और पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, किसी भी जनरल प्रोसेस को हम पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं, ठीक। किसी भी जनरल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस कहते हैं। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि वर्क की डेफिनेशन बताओ भाई, तो सब लोग कहेंगे एफ क्रॉस डी एक्स कर, एफ डॉट डी एक्स करेंगे तो हमें वर्क मिल जाएगा, है ना। डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा, वर्क की डेफिनेशन बताओ भाई। वर्क की डेफिनेशन पहली बार हमें लगता है कई लोग देख रहे होंगे, ये कमेंट करके जरूर बताना कि कितने लोगों ने पहली बार वर्क की डेफिनेशन को फील किया। फॉर्मूला तो तुम्हें पता था फिजिक्स में कि एफ डॉट डी एक्स होता है वही वर्क होता है, लेकिन वर्क असल में क्या है, हीट असल में क्या है, इस बारे में हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। वर्क क्या है, वर्क इज द एनर्जी दैट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर, मतलब सिस्टम से अनदर सिस्टम को जाए या फिर सराउंडिंग को चली जाए तो हम उसे क्या कहते हैं, उसे हम वर्क कहते हैं। कैसे, इन सच अ वे दैट द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व, मतलब जिसमें टेम्परेचर का डिफरेंस डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होगा उसे हम कहेंगे वर्क। मतलब ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट इन्वॉल्विंग टेम्परेचर इज कॉल्ड वर्क, ठीक। तो डी डब्ल्यू को एफ डॉट डी एक्स लिखते हैं, तो एफ को लिख लेते हैं फोर्स, को लिख लेते हैं प्रेशर इन टू एरिया। एफ क्या है, F इज इक्वल टू होता है P इंटू ए, तो P इंटू ए अलग लिख लिया और dx अलग कर लिया। अब A इंटू डी एक्स क्या हो जाता है, ये dv के बराबर है, तो यहां पे dv लिख दिया।
दिस इज कॉल्ड पीवी वर्क, इसे क्या कहते हैं पीवी वर्क कहते हैं, और dW को माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी लिखते हैं। यहाँ पे क्या है प्रेशर जो ले रहे हैं वो एक्सटर्नल ले रहे हैं, ये बात ध्यान रखना। जो पी एक्सटर्नल है वो माइनस साइन क्यों लगाया, माइनस साइन लगाया है IUPAC कन्वेंशन के हिसाब से, ठीक। तो पी क्या है, पी एक्सटर्नल प्रेशर है और डीवी हमारा डिफरेंशियल वॉल्यूम है, और माइनस साइन आया है IUPAC साइन कन्वेंशन की वजह से, ठीक। 1 ATM लीटर 101.3 जूल्स या 24.2 कैलोरीज के बराबर होता है, ये यूनिट कन्वर्जन इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, इसे हम ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अच्छे से करेंगे, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। कई बार जूल्स में आंसर पूछ लेते हैं और हम ATM लीटर में निकाल के छोड़ देते हैं और यहीं पर हमारी गलती हो जाती है, ठीक। चलो भाई, अब हीट क्या है, हीट इज अ एनर्जी दैट फ्लोज इन टू और आउट ऑफ द सिस्टम। या तो हीट क्या हो रही है, सिस्टम के अंदर आ रही है या सिस्टम से बाहर जा रही है, बिकॉज ऑफ अ डिफरेंस इन टेम्परेचर इन थर्मोडायनेमिक सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। जब टेम्परेचर नहीं था तो वो वर्क था, जब टेम्परेचर आ गया तो वो हीट है, दोनों में एनर्जी है, बात समझ में आ रही। जब टेम्परेचर नहीं इन्वॉल्व था तो वर्क था, टेम्परेचर इन्वॉल्व है तो वो हीट है, बात समझ में आनी चाहिए, ठीक। अब इट इज रिप्रेजेंटेड बाई क्यू, हीट ट्रांसफर कैन टेक प्लेस बाई टू मैथड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, जिसे हम QP कहते हैं, और QP को हम कहते हैं डेल्टा एच, डेल्टा QP इज कॉल्ड डेल्टा एच विच इज कॉल्ड इनथैल्पी। चेंज इन इनथैल्पी इज इक्वल टू NCPM डेल्टा टी, वेयर CPM इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। CPM इज कॉल्ड मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। देखो यार, ये थर्मोडाइनमिक्स पढ़ने के बाद फिजिक्स वाले भी सवाल तुमसे थर्मोडाइनमिक्स के लग जाने चाहिए, काफ़ी हद तक लग जाएंगे। हीट ट्रांसफर को छोड़ दें, कन्वेक्शन रेडिएशन और क्या कहते हैं, कन्वेक्शन रेडिएशन और क्या होता है कंडक्शन, ठीक, इन तीनों को छोड़ दो तो मतलब हीट के भी सवाल लगने चाहिए अपने, है कि नहीं। तो एनर्जी क्या होती है, मोलर हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी बाय 1 डिग्री सेंटीग्रेड और 1 केल्विन फॉर 1 मोल ऑफ सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट प्रेशर, इट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। सिंपल बात है, अगर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पे कहेंगे तो डेल्टा क्यू वी लिखेंगे, डेल्टा क्यू वी को हम लोग क्या लिख देंगे, NCVM डेल्टा टी, और CVM को क्या लिखेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, क्या कहेंगे, मोलर हीट कैपेसिटी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। CPM माइनस CVM इज इक्वल टू R होता है विच इज कॉल्ड मेयर्स रिलेशन, इसे हम याद रखेंगे, और CP माइनस CV इक्वल टू NR होता है, वेयर R इज कॉल्ड यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, R इज कॉल्ड गैस कॉन्स्टेंट। तो ये CPM माइनस CVM इक्वल टू R होता है, ठीक। अब इंटरनल एनर्जी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इंटरनल एनर्जी को E और U से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। हर सिस्टम में क्या होता है, कुछ ना कुछ मैटर एसोसिएटेड जरूर होता है, कोई भी सिस्टम बनाए तो उसमें कुछ ना कुछ मैटर होगा। अब अगर कोई ना कोई मैटर एसोसिएटेड है तो उससे कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एसोसिएटेड होगी, कोई ना कोई मैटर अगर एसोसिएटेड है तो उससे कुछ ना कुछ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी भी एसोसिएटेड होगी। इस एसोसिएटेड एनर्जी को हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी, क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं इंटरनल एनर्जी। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, UT से, UT इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस ट्रांसलेशनल एनर्जी। U कैसा है, स्टेट फंक्शन है, और ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है जो मास पे डिपेंड करेगी। इट डज नॉट इंक्लूड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ मोशन ऑफ अ सिस्टम एज अ होल और इट्स पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट्स पोजिशन। अब मान लें क्या करें, ये कह रहे हैं कि हो क्या रहा है कि मान लो गैस सिलेंडर है, सिंपल एग्जांपल समझते हैं, ऐसे बहुत कठिन इंग्लिश लिखी होती है, गैस सिलेंडर का एक एग्जांपल समझो, गैस सिलेंडर के अंदर गैस भरी हुई है, उसके अंदर कुछ ना कुछ गैस है, उसकी वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी भी है, काइनेटिक एनर्जी भी है गैस पार्टिकल्स की, और जो उसकी रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी होगी, जो कुछ टाइप की एनर्जी है वो सब है उसके अंदर। अब अगर हम उस गैस सिलेंडर को एक ट्रक पे रख दें और ट्रक मान लो जा रहा है 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा है, तो उस सिलेंडर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ेगी क्या, उनके अंदर की एनर्जी नहीं बढ़ेगी। ये कह रहा है काइनेटिक एनर्जी मोशन ऑफ द सिस्टम की वजह से नहीं चेंज होती, या सिलेंडर को अगर हम वैसे देखें तो ग्राउंड फ्लोर पे एनर्जी अलग होनी चाहिए, 5th फ्लोर पे अलग होनी चाहिए, 10th फ्लोर पे अलग होनी चाहिए और 12th फ्लोर पे अलग होनी चाहिए, लेकिन ऐसा होता
नहीं है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी उसकी हाइट की वजह से चेंज नहीं हो रही है। इंटरनल एनर्जी जो फंक्शन होती है वो टेम्परेचर और वॉल्यूम का होती है। इंटरनल एनर्जी इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर और वॉल्यूम। टेम्परेचर और वॉल्यूम का फंक्शन है, इसे तो हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। एग्जैक्ट डिफरेंशियल कैसे लिखते हैं, मान लेते हैं अगर किसी को नहीं पता है एग्जैक्ट डिफरेंशियल क्या होता है, तो हम मान लेते हैं कि ऐसे एफ एक्स इज अ फंक्शन ऑफ, या एफ वाई क्या लिख लेते हैं, जेड लिख लेते हैं, जेड इज अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। तो अगर जेड एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिखा जा सकता होगा तो लिखेंगे डी जेड इज इक्वल टू डेल जेड बाय डेल एक्स एट कॉन्स्टेंट वाई डी वाई डी एक्स प्लस डेल जेड ओवर डेल एक्स डेल वाई एट कॉन्स्टेंट एक्स डी वाई। ठीक, तो एक को कॉन्स्टेंट मान के दूसरे को लिख देंगे, दूसरे कॉन्स्टेंट मान के पहले को लिख देंगे, ये एग्जैक्ट डिफरेंशियल कहलाता है। तो इसे हमने क्या मान लिया, अगर स्टेट फंक्शन है तो इसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो हमने क्या लिखा, देखो जो एग्जैक्ट अगर कंपेयर करोगे तो क्या लिखा, डी यू, एक फंक्शन को हमने कॉन्स्टेंट माना, पार्शियल डिफरेंशियल और उसका एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिखा, फिर पार्शियल डिफरेंशियल और उसका होल डिफरेंशियल लिख के दूसरे को कॉन्स्टेंट मान लिया। अब अगर प्रोसेस आइसोकोरिक है, कैसा प्रोसेस है, आइसोकोरिक। आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या होता है, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा वी इज इक्वल टू जीरो या डी वी जीरो हो जाएगा। अगर डी वी जीरो है तो ये नंबर क्या हो जाएगा, डी वी यहाँ पे जीरो हो जाएगा, तो ये पूरा नंबर कैसा आ जाएगा, ये नंबर आ जाएगा जीरो। अगर ये नंबर जीरो आ गया तो डी यू इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट ही हो जाएगा। अब डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट भी क्या है, इट इज द चेंज इन एनर्जी पर यूनिट राइज और फॉल इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, और लिख देते हैं इसके आगे एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम। इसी को हम मोलर हीट कहते थे, इसी को हीट कैपेसिटी कह रहे थे, तो इसे CV लिख दिया। अगर n मोल के लिए लिखेंगे तो डी यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डी टी आ जाएगा, या डेल्टा यू इज इक्वल टू एन सी वी एम डेल्टा टी आ जाएगा। मतलब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ से उठा के यहाँ पे यूज़ कर लिया, फिर जब डी यू डी वी जीरो हुआ तो सीधे सीधे यूज हो गया, तो डी यू की डेफिनेशन निकल आई हमारी यहाँ से। फॉर एन आइडियल गैस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी विद चेंज इन वॉल्यूम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर इज ऑलवेज जीरो। ये इंपॉर्टेंट बात है, इसे हम ध्यान रखेंगे। आइडियल गैस के लिए क्या होगा, जब अगर हम वॉल्यूम चेंज कर रहे हैं एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर तो एनर्जी में कोई चेंज नहीं आएगा। तो हम ये इस बात से ये कह सकते हैं कि डी यू केवल केवल किस पर डिपेंडेंट है, केवल और केवल टेम्परेचर पर डिपेंडेंट है और किसी चीज़ पर डिपेंडेंट नहीं है। अब जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की अगर बात करें, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या है, लॉ ऑफ थर्मल इक्विलिब्रियम में कह रहा है, अगर ए बी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, बी सी के साथ थर्मल इक्विलिब्रियम में है, तो ए और सी भी आपस में थर्मल इक्विलिब्रियम में होंगे। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कह रहा है कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेंस कॉन्स्टेंट, यानी कि डेल्टा यू इज इक्वल टू डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, यानी डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू। जो फिजिक्स में होता है, इन फिजिक्स हम लोग क्या करते हैं, डेल्टा क्यू इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लिखते हैं। दिस इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन, दिस इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन। दिस इज ड्यू टू साइन कन्वेंशन अकॉर्डिंग टू IUPAC, वर्क डन बाय द सिस्टम, ध्यान से देखना, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग, मतलब एक्सपेंशन वर्क है, कौन सा, एक्सपेंशन वर्क है, इज टेकन एज निगेटिव। ठीक, इज टेकन एज निगेटिव। ठीक, अब हीट गिवन टू द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव
हीट रिलीज्ड बाय द सिस्टम इन द सराउंडिंग इज टेकन एज नेगेटिव, इज टेकन एज नेगेटिव एंड वर्क डन, लास्ट पॉइंट लिख लेते हैं, वर्क डन बाय द सराउंडिंग ऑन द सिस्टम इज टेकन एज पॉजिटिव वर्क। ठीक है, तो हीट और वर्क को आईयूपीएसी सेम फुटिंग पे रखती है, सेम फुटिंग पे रखती है मतलब एक जैसा ही समझती है, जैसा हीट के साथ व्यवहार हो रहा है वैसा ही किसके साथ व्यवहार हो रहा है, वैसा ही व्यवहार हो रहा है वर्क के साथ। तो वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग इज निगेटिव, हीट गिवन बाय द सिस्टम ऑन टू द सराउंडिंग इज निगेटिव। तो ये हीट और वर्क की जो आईयूपीएसी कन्वेंशन है वो अलग अलग है। अब हमने जो वर्क लिखा था dW, वो हमने माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी लिखा था। ठीक है, पी एक्सटर्नल क्यों ले रहे हैं, अगर हम इसे रिवर्सिबल वर्क कह दें ठीक, तो रिवर्सिबल में क्या होगा कि पी एक्सटर्नल जो होगा वो लगभग लगभग होगा पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी के बराबर। तो dW की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस पी इंटरनल प्लस माइनस डीपी टाइम्स डीवी। जरा भाई मल्टीप्लाई कर लो, तो माइनस पी इंटरनल डीवी माइनस प्लस डीपी डीवी, ये तो हो जाएगा ज़ीरो। तो अगर dW की बात करें तो ये हो जाएगा माइनस पी इंटरनल इंटू डीवी। अगर प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल प्रोसेस है, अगर प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम इंटरनल प्रेशर भी यूज़ कर सकते हैं जैसा कि हम फिजिक्स में करते हैं। लेकिन हम इसे लिखेंगे क्या, dW को लिखेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, और इसी को हम लोग याद रखेंगे और कुछ याद नहीं रखेंगे, एक्सटर्नल प्रेशर ही याद रखेंगे। ठीक है, कोई इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए। ठीक, अब बात करते हैं हम लोग वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस की, हेडिंग डाल लेते हैं। अब मैं लिखूंगा साथ साथ क्योंकि अब यार डेराइव करना पड़ेगा, और जब डेराइव करूंगा तो फिर मतलब साथ साथ ही करते चलेंगे तभी ठीक रहेगा, है ना। तो बात करते हैं वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस की। ठीक, चलो भाई शुरू करते हैं। वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस, वर्क डन इन डिफरेंट प्रोसेसेस में सबसे पहले लिखते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोकोरिक प्रोसेस। अब फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हम जानते हैं, फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस हम जानते हैं डीवी इज इक्वल टू होता है जीरो, डीवी होता है क्या जीरो। तो dW इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डीवी, यानी कि ये भी जीरो हो जाएगा। और फ्रॉम फर्स्ट लॉ कह दें अगर हम, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, तो हम क्या कह देंगे कि जो dW dU है वो किसके बराबर हो जाएगा, dQ के बराबर हो जाएगा। ठीक, तो ये आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वर्क डन आ गया। ठीक, अब इसी में अगर हम लिख लें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस आइसोकोरिक, तो
तो आइसोकोरिक इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा वी क्या हो जाएगा? जीरो। तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन। हमेशा इरिवर्सिबल वर्क यही होता है, ध्यान रखेंगे, ये इरिवर्सिबल वर्क हर प्रोसेस के लिए यही है। अगर इरिवर्सिबल वर्क हर प्रोसेस के लिए यही है तो ये पी एक्सटर्नल डेल्टा वी हो गया, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू इसमें भी क्या आ जाएगा? जीरो, क्योंकि डेल्टा वी कैसा है? जीरो। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में कोई वर्क डन नहीं आएगा, ये बात हमें आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। नंबर टू इज रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस में वर्क डन लिख लेते हैं यहां पे, तो लिख लेते हैं वर्क डन इन रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस। अब रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस अगर है तो हम क्या कहेंगे कि डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा जीरो। डेल्टा टी जीरो होगा फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, और डेल्टा यू इज इक्वल टू होता है डेल्टा क्यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ये हमारा फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, बात समझ में आनी चाहिए। देखो इसके डेरिवेशंस इसलिए हम लोग कर रहे हैं इन क्लासेस में क्योंकि जब सवाल आएगा तो बिना डेरिवेशन के डायरेक्ट फॉर्मूले से एडवांस का सवाल नहीं लगने वाला, हमें डेरिवेशन करना ही पड़ेगा पेपर में बैठ के इसे सॉल्व करना पड़ेगा, तभी कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट हमें मिलेगा। डेल्टा यू हमें पता है एन सी वी डेल्टा टी के बराबर होता है, तो डेल्टा यू हो जाएगा जीरो क्योंकि डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो है। ठीक, तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा क्यू हो जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ, इसे लिख दें फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक, अब वर्क डन होता क्या है? डी डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अगर हम फॉर आइडियल गैस की बात करें, फॉर आइडियल गैस की बात करें तो आइडियल गैस के लिए डी डब्ल्यू की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? माइनस एन आर टी बाय वी डी वी लिख दें, क्योंकि पी वी इक्वल टू एन आर टी होता है। इसे इंटीग्रेट करते हैं जीरो से डब्ल्यू और इसे इंटीग्रेट करते हैं वी वन से वी टू। सब कुछ इंटीग्रेट कर लोगे तुम लोग तो गणित वाले लोग हो भाई, है ना? तो ये एन आर टी बाहर आ जाएगा कॉन्स्टेंट की तरह, और ये वी वन से वी टू डी वी आ जाएगा माइनस साइन के साथ। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन, या फिर अगर हम इसी को लिखें तो W इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 वी टू बाई वी वन, द फेमस इक्वेशन ऑफ वर्क डन। इस तरह से निकाल लिया हम लोगों ने। अच्छा, अगर हम पी वी इक्वल टू एन आर टी मान रहे हैं, ठीक, तो P1 V1 इज इक्वल टू हो जाएगा P2 V2, तो P1 अपॉन P2 इज इक्वल टू हो जाएगा V2 अपॉन V1। तो वर्क डन का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं W इज इक्वल टू माइनस 2.303 एन आर टी लॉग टू द बेस 10 P1 बाय P2। इसमें भी कोई समस्या किसी को नहीं आनी चाहिए, ये भी फॉर्मूला आसानी से डराइव हो जाना चाहिए। इतनी बात क्लियर हो जाने के बाद हमने दोनों फॉर्मूले ध्यान कर लिए और हमें दोनों फॉर्मूले याद भी रहेंगे, माइनस 2.303 एन आर टी एल एन वी टू बाई वी वन या पी वन बाय पी टू। अगर हम बात करें फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम बात करें, इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए क्या होगा कि डी डब्ल्यू हमेशा किसके बराबर होगा? माइनस पी एक्सटर्नल इंटू V2 माइनस V1 के बराबर होगा। इसे हम DW की जगह हम लिख दें डेल्टा W लिख दें, अच्छा रहेगा, ये हमेशा फिक्स बात है, इसके लिए तो कोई ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है ही नहीं, तो आंसर ये सेम ही रहेगा। अब अगला नंबर थ्री नंबर डाल लेते हैं हेडिंग, थर्ड इज वर्क डन इन
एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस। एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो हम इसके लिए जानते हैं कि एडियाबेटिक प्रोसेस की इक्वेशन जो होती है वो पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है। जैसे आइसोथर्मल की जो इक्वेशन होती है, अगर हम आइसोथर्मल की भी इक्वेशन लिख दें तो ये होगी पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। बेसिकली ये पी वी रेस टू द पावर वन है, या फिर हम इसे लिख दें पी वी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ऐसे ही एडियाबेटिक के लिए इक्वेशन क्या लिखेंगे, एडियाबेटिक के लिए लिखेंगे पी वी टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। जो लोग पहली बार थर्मोडायनेमिक्स देख रहे हैं उनके बता दें ये क्या है, ये गामा है, गामा इज कॉल्ड एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। एडियाबेटिक एक्सपोनेंट होता है जिसकी वैल्यू, गामा की वैल्यू होती है सी पी अपॉन सी वी के बराबर, या फिर इसे गामा को लिख सकते हैं 1 प्लस 2 बाय एफ। ये भी एक फॉर्मूला हम ध्यान रखेंगे, वेयर एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम, एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ इज कॉल्ड डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोटॉमिक गैस। एफ की वैल्यू होती 3, तो जो गामा की वैल्यू है, गामा की वैल्यू हो जाएगी 1 प्लस 2 बाय एफ, यानी कि 1 प्लस 2 बाय 3, यानी कि 5 बाय 3 हो जाएगी गामा की वैल्यू। ठीक, अब हमें मेयर्स रिलेशन भी पता है कि सी पी माइनस सी वी इक्वल्स टू आर होता है, और सी वी की वैल्यू एफ आर बाय 2 होती है। भाई ये सब फॉर्मूले छोटे छोटे हैं, ये बात हम ध्यान रखेंगे। तो अगर हम यहाँ से भी देखें तो सी वी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3R by 2, तो सी पी की वैल्यू आ जाएगी R प्लस 3R by 2, यानी कि 5R by 2। तो सी पी अपॉन सी वी करोगे तो 5 by 3 ही आंसर आएगा। ठीक, अब फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वेशन क्या थी हमारी, पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। और हमें पता है कि फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस रिवर्सिबल, ये रिवर्सिबल तो है, डी क्यू क्या हो जाएगा 0, तो डी यू इज इक्वल टू हो जाएगा डी डब्ल्यू। अच्छा, डी यू हमें पहले से पता है, तो डी यू की वैल्यू होती है एन सी वी डी टी, डी यू की वैल्यू होती है क्या एन सी वी डी टी, तो डी डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा। या फिर अगर हम लिखते हैं डब्ल्यू इज इक्वल टू एन सी वी टी टू माइनस टी वन लिख सकते हैं इसे सिंपल। तो एक वर्क डन का फॉर्मूला चिन्हू सा ये निकल आया, आसानी से बात समझ में आनी चाहिए, इंपॉर्टेंट बात है। ठीक, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए सबको। ठीक, अब डी डब्ल्यू निकालने का एक और तरीका है, हम दोनों तरीके सीखने, पी एक्सटर्नल इंटू डी वी। अब पी वी रेस टू द पावर गामा इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, तो हमने लिख लिया, इसे लिख लिया माइनस कॉन्स्टेंट, इसे लिख लेते हैं पी की वैल्यू लिख लेते हैं कॉन्स्टेंट अपॉन वी रेस टू द पावर गामा। ठीक, तो डी वी अपॉन वी रेस टू द पावर गामा आ गया। इसे जीरो से डब्ल्यू किया, इसे ट्रीट किया वी वन से वी टू। ठीक, इसे वी वन से वी टू ट्रीट किया, तो ये आ गया डब्ल्यू इज इक्वल टू आ गया माइनस कॉन्स्टेंट टाइम्स वन माइनस गामा। ठीक, वन माइनस गामा वी रेस टू द पावर वी टू रेस टू द पावर वन माइनस गामा माइनस वी वन रेस टू द पावर वन माइनस गामा, इंटीग्रेट कर दिया, सिंपल है, आसानी से किया जा सकता है। तो डब्ल्यू को लिख लिया कॉन्स्टेंट अपॉन गामा माइनस वन वी टू टू द पावर वन माइनस गामा माइनस वी वन टू द पावर वन माइनस गामा। अब हम जानते हैं कि पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, इज इक्वल टू पी टू वी टू रेस टू द पावर गामा है। ठीक, तो कॉन्स्टेंट को जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो अलग अलग कर रहे हैं, देखना जरा। जब वी टू से मल्टीप्लाई किया तो पी टू वी टू रेस टू द पावर गामा लिख लिया इंटू वी टू टू द पावर वन माइनस गामा, माइनस इसे लिख लिया पी वन वी वन टू द पावर गामा इंटू वी वन टू द पावर वन माइनस गामा लिख लिया इसे। तो डब्ल्यू की वैल्यू लिख दी वन अपॉन गामा माइनस वन, पी टू वी टू लिख दिया माइनस पी वन वी वन लिख दिया।
बात एकदम से समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला एक हमने और डेराइव कर लिया, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए, सिंपल बात है। अब अगर हमसे ये पूछा जाए कि रिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा एक्सपेंशन में या इरिवर्सिबल वर्क ज्यादा होगा, तो इसे प्रूफ करने का तरीका क्या है, तो हम ये लिख सकते हैं कि वर्क डन इज द एरिया अंडर द पीवी कर्व, ठीक। अब अगर हम एक्सपेंशन कर रहे हैं, जरा देखना ध्यान से, मैं थोड़ा सा एक फिगर बनाने जा रहा हूं, तो ये पी है ये बी है, मान लेते हैं हमें किसी पॉइंट ए से बी तक आना है, ए से बी तक आना है, तो हमने इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए पी वन वी वन और इसके कोऑर्डिनेट लिख लिए पी टू वी टू, तो बेसिकली यहां पे ये वी टू हो गया, यहां पे ये वी वन हो गया, यहाँ पे ये पी वन हो गया, सॉरी पी टू हो गया, और यहाँ से ये पी वन हो गया, ठीक। अब अगर हमें ए से बी तक आना है और हम केवल दो स्टेप में आ गए, कैसे आए, ए से बी हम आ गए सीधा, ठीक, और इस तरह से आए हम, ठीक है, इस प्रोसेस से आए, मतलब सी तक आए और सी से हम सीधा बी पे आ गए, तो पहले आइसोकोरिकली है, ये कैसा प्रोसेस है, ग्राफ भी समझना, ये आइसोकोरिक है और फिर यहां से यहां तक आए, तो ये कैसा प्रोसेस है, ये आइसोबारिक है। तो जो वर्क डन आएगा, वर्क डन इन प्रोसेस ए टू सी टू बी इज इक्वल टू दिस एरिया अंडर द कर्व, इस एरिया के बराबर होगा भाई, ये बात समझ में आ पा रही है कि आइसोकोरिकली जब आ रहे हैं, एक सेकंड रुकना, स्क्रीन फ्रीज हो गई थी शायद, है ना, तो ए से सी और सी से बी आ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, एरिया आ गया, इसे एरिया को हम क्या लिखेंगे, माइनस पी एक्सटर्नल हो गया पी टू, और ये हो जाएगा वी टू माइनस वी वन, ठीक, इतना वर्क किया हमने। अब हमने क्या किया कि ये हम दो स्टेप में आए, ए से सी आए और सी से बी आए, ठीक। अगर हम स्टेप बढ़ा लें, तो हम स्टेप बढ़ा के हमने कोई पॉइंट लिख लिया डी, जिसके कोऑर्डिनेट थे P3 V3, ठीक, तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट और आ गया हमारे पास, यहाँ पे आ गया V3 और यहाँ पे आ गया P3, तो इस बारी हमने क्या किया, हम A से E तक आए और E से D तक आए, फिर D से F तक आए और F से B तक गए, ठीक है, तो नेट एरिया कितना आया, जरा देखना भाई ध्यान से, मैं शेड कर रहा हूँ एरिया, नेट एरिया ये आया और ये वाला एरिया भी आया, तो देखो एक स्टेप बढ़ाने से हमें एरिया और बढ़ता हुआ मिला। तो अगर हम वर्क लिखें इस प्रोसेस के लिए, तो वर्क के लिए क्या लिखेंगे, W ऑफ A टू E टू D टू F टू B विल बी माइनस P3 V3 माइनस V1 माइनस पी टू वी टू माइनस वी थ्री, तो ये थोड़ा ज़्यादा वर्क आया हमारे पास। इसी तरह से अगर हम स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा, वर्क डन ज़्यादा आता जाएगा, इसी तरह से स्टेप बढ़ाते जाएंगे तो वर्क डन ज़्यादा आएगा, और एक टाइम ऐसा आएगा जब हम बहुत छोटी छोटी स्ट्रिप काट लेंगे और इस वर्क को हम क्या कर लेंगे, रिवर्सिबली कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो उसमें ये पूरा ही एरिया आ जाएगा। अगर मैं शेड करना चाहूँ तो इसे पूरा एरिया, ये सब पूरा आ जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा। जब ये पूरा एरिया कवर हो जाएगा तो उस टाइम पे हम क्या कहेंगे, मैक्सिमम वर्क आया आया, तो हम ये कह सकते हैं, इतना गंदा ना करें, इसे साफ साफ रहने दें, छोड़ देते हैं इसे, है ना, तो ये पूरा एरिया आ जाएगा, बात समझ में आनी चाहिए, जरूरी बात है। तो हम ये लिख सकते हैं क्या, इसे इसके लिए एक स्टेटमेंट लिख देते हैं क्या, कि मैक्सिमम एक्सपेंशन वर्क कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम द सिस्टम इफ इट इज
डन रिवर्सिबली। ठीक। अच्छा एक चीज बात और यार कि एडियाबेटिक अगर हम इरिवर्सिबल वर्क करें, इरिवर्सिबल वर्क हमेशा किसके बराबर होगा, डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन ही होगा, वो बात ध्यान रखेंगे हम लोग। ठीक, सिंपल बात है, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये हम रिवर्सिबल वर्क करेंगे, इसी तरह जब एक्सपेंशन करेंगे तो हमने रिवर्सिबल किया, और कंप्रेस भी कैसे करेंगे रिवर्सिबल, तो हम क्या लिखेंगे, फॉर मिनिमम कंप्रेशन वर्क। इसका ग्राफ अपने आप प्लॉट करके देखेंगे सब बच्चे, और फिर बताएंगे कि हो गया, हो जाना चाहिए, मेरी समझ से हो जाएगा। फॉर मिनिमम कंप्रेशन वर्क द पिस्टन शुड बी रिवर्सिबली कंप्रेस्ड। ठीक है, तो जितना ज्यादा स्ट्रोक्स बढ़ेंगे पिस्टन के उतना वर्क डन ज्यादा आएगा, इसीलिए टू स्ट्रोक और फोर स्ट्रोक बाइक वाली बात याद है तुम्हें कि फोर स्ट्रोक बाइक का माइलेज ज्यादा होता है और टू स्ट्रोक बाइक का माइलेज कम होता है। सारी थर्मोडायनेमिक्स का पर्पस इंजन को रन करना ही है। ठीक है, तो ये बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए कि वर्क डन हम कैसे निकालना है। पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस वगैरह के वर्क भी निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, लेकिन हम उसमें उलझनों में फंसते नहीं क्योंकि पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारे सिलेबस में है नहीं, उस चक्कर में नहीं फंसते। और आइसोबारिक के लिए तो वर्क डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल पी एक्सटर्नल इंटू वी टू माइनस वी वन के बराबर ही होगा, उसे मैं लिख नहीं रहा हूँ। ठीक है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए सबको। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, तो एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन देख रहे हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वन मोल ऑफ ए नॉन लीनियर ट्राइटोमिक गैस आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड एडियाबेटिकली। ध्यान रखना कि नॉन लीनियर ट्राइटोमिक आइडियल गैस है, तो ये क्वेश्चन नहीं करेंगे। जब ट्राइटोमिक है तो आइडियल गैस हुई, अभी हम मान लेते हैं कि जो दिया है वही ठीक है। ठीक है, एडियाबेटिकली एट 300 केल्विन फ्रॉम 1680 एम टू 180 एम कैलकुलेट द वर्क डन अंडर द फॉलोइंग सेट ऑफ कंडीशन। मैं क्वेश्चन भी इसमें ले रहा हूँ साथ में, क्योंकि केवल थ्योरी करने से इसमें काम चलेगा नहीं, कुछ कुछ क्वेश्चन हम लोग साथ में लगाते हुए चलेंगे। ठीक, तो एक्सपेंशन इज कैरिड आउट रिवर्सिबली और एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इरिवर्सिबली, हमें दो तरीके से निकालना है। तो हमें गामा की वैल्यू पता है, हमें जो एडियाबेटिक वर्क है, अगर हम एडियाबेटिक वर्क की बात करें तो डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है एन सी वी टी टू माइनस टी वन। अब हमें एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया है, टी वन की वैल्यू पता है 300 है, टी टू हमारे लिए अननोन है, सी वी की वैल्यू हमें गिवेन है 3R है, और वन मोल लिया है, एन की वैल्यू हमें 1 है। तो अब अगर हम टी टू फाइंड आउट कर लें तो हमारा काम चल सकता है, हम जानते हैं बात। ठीक, प्रोसेस कैसा है, पहला केस कर रहे हैं हम लोग द एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल, द एक्सपेंशन इज रिवर्सिबल। अगर रिवर्सिबल एक्सपेंशन है तो हम ये लगा सकते हैं पी वन वी वन टू द पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अच्छा, आइडियल गैस है तो पी वी इक्वल टू एन आर टी भी ट्रू है। तो अगर हमें टेम्परेचर निकालना है तो हमें प्रेशर दिया हुआ है, कितना प्रेशर दिया है 1680 एम और 180 एम। तो हमें एक चीज़ और यहाँ पे लिख लेते हैं ध्यान से, क्योंकि बार बार क्वेश्चन ऊपर लिखना पड़ेगा, पी वन है 1680 एम और पी टू है 180 एम। तो हम वॉल्यूम को टेम्परेचर के टर्म में लिख लें तो वॉल्यूम विल बी इक्वल टू एन आर टी बाई पी, यहाँ पे पुट कर दें तो हम लिख दें पी वन वी वन की जगह लिख दें एन आर टी वन अपॉन पी वन की पावर गामा इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। तो कॉन्स्टेंट में बाकी सब हटा दें तो लिख दें पी वन टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू टी वन टू दी पावर गामा इज इक्वल टू पी टू टू दी पावर वन माइनस गामा इंटू टी टू रेस टू द पावर गामा। ठीक, और गामा की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 4/3। गामा में कितना दे रखा है, 4/3 गिवेन है, ये सब बातें हमें गिवेन है इधर वाली। ठीक, तो देखना जरा इसे हम लिख लें पी वन अपॉन पी टू टू दी पावर वन माइनस गामा इज इक्वल टू टी टू अपॉन टी वन टू दी पावर गामा। पी वन की वैल्यू हमें 16 दे रखी, ये 1 दे रखा है, 1 माइनस 4/3 कर दें इज इक्वल टू टी टू हमें निकालना है, टी वन की वैल्यू 300 दे रखी, ये पावर हमने 4/3 कर दी। सिंपल बात है, तो इसे अगर हम रिवर्स कर दें क्योंकि माइनस में आ रही पावर, तो इसे हम लिखते हैं 1/16
16 टू द पावर 1 बाई 3 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन 300 टू द पावर 4 बाई 3। इसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, ध्यान रखना है ना। तो लिख दें 1 अपॉन 16 इज इक्वल्स टू, दोनों तरफ क्यूब कर दें तो लिख दें T2 अपॉन 300 की पावर 4। अब इसका फोर्थ रूट ले लें तो हम लिख दें 1 अपॉन 16 का पावर 1 बाई 4 इज इक्वल्स टू T2 अपॉन 300। मेरे को लग रहा है मेरी बात समझ में आ रही होगी। तो ये 1 बाई 2 हो गया, कैलकुलेशन देखो कितनी इजी कर रहा है। तो T2 की वैल्यू देख लो 150 आ गई यहाँ पर, सिंपल T2 की वैल्यू 150 आ गई। सीधे उठा के ऊपर फॉर्मूले में रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो हमने लिखा था डेल्टा W इज इक्वल्स टू N की वैल्यू 1 थी, CV की वैल्यू 3R3 और ये T2 हो गया 150 माइनस 300। ठीक, तो ये आ गया माइनस का 450 R, R की वैल्यू चाहो रख दोगे, नहीं चाहो मत रखो, अभी R के फॉर्म में रहने देते हैं। R की वैल्यू रख देंगे, जूल में रख देंगे 8.314। तो आंसर हमारा निकल आएगा, एक्सपेंशन वर्क है इसलिए वर्क इज डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ये एक्सपेंशन वर्क आया तो निगेटिव साइन रिप्रेजेंट कर रहा है एक्सपेंशन वर्क। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तो पहले क्वेश्चन का आंसर निकालाया, फर्स्ट पार्ट यहाँ पे खत्म हुआ हमारा। सेकंड पार्ट ही थोड़ा ट्रिकी है। सेकंड पार्ट कह रहा है तब व्हेन द एक्सपेंशन इज कैरिड आउट इररिवर्सिबली, कंडीशन सारी वही है, इररिवर्सिबल प्रोसेस है, तो थोड़ा सा हमें ट्रिक करना पड़ेगा। और इसी में लोग मात खा जाते हैं क्या, कि वो रिवर्सिबल कंडीशन लगा के इररिवर्सिबल वर्क निकाल जाते हैं। तो इसे ध्यान रखना कैसे करेंगे, इसे देखते हैं हम लोग। तो नंबर टू केस है फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इररिवर्सिबल प्रोसेस अगर हम बात करें तो हमें पता है डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू होता है माइनस पी एक्सटर्नल वी टू माइनस वी वन, और डेल्टा यू क्योंकि स्टेट फंक्शन है ये एन सी वी टी टू माइनस टी वन के बराबर है। ये दोनों ही वर्क हैं तो इन दोनों को इक्वेट कर दें, क्योंकि हमें वी टू माइनस वी वन नहीं पता और टी टू माइनस टी वन नहीं पता, तो हमें से कुछ जुगाड़ लगाते हैं। वन मोल दिया है, थ्री आर दिया है सी वी, टी टू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी, टी वन की वैल्यू हमें 300 दे रखी है, माइनस पी एक्सटर्नल हमें 1 दे रखा है, वी टू की जगह लिख दें एन आर टी टू अपॉन पी टू माइनस एन आर टी वन अपॉन पी वन चल जाएगा। आइडियल गैस इक्वेशन लगा दी, ठीक। तो एन से एन कैंसिल हो गया, आर से आर कैंसिल हो गया, एन की वैल्यू 1 दे रखी है तो हटाई देते हैं इसे। तो लिख दें 3T2 माइनस 900 इज इक्वल टू माइनस टी टू अपॉन पी टू की वैल्यू 1 दे रखी है, माइनस माइनस हो गया, प्लस टी वन की वैल्यू 300 दे रखी बाई 16 हो गया, ठीक। तो 4T2 की वैल्यू आ गई 900 प्लस 300 बाई 16, ठीक। तो यहाँ से T2 जब सॉल्व कर दोगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, अगर हम इसमें से 300 कॉमन ले लें तो ये आ जाएगा कितना, 3 प्लस 1 बाई 16 डिवाइडेड बाई 4। तो T2 की वैल्यू जब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 229.69 केल्विन आ जाएगी। तो अब वर्क निकालना आसान हो गया, W की वैल्यू लिख दी एन सी वी, T2 की वैल्यू है 229.69 माइनस 300, तो ये फिर से आ गया माइनस 3R टाइम्स, ये आ गया अंदर कितना 70.31, तो ये आ जाएगा 210.93 R। तो देखो जो एक्सपेंशन वर्क आया वो क्या आया, वो कम आया किससे, जब हमने रिवर्सिबल किया था तो माइनस 450 आ रहा था, और जब इरिवर्सिबल किया तो माइनस 210 आ रहा है, यानी कि हमने एक्सपेंशन वर्क किसमें ज़्यादा किया है, रिवर्सिबल वर्क हमने ज़्यादा किया, इरिवर्सिबल हमने कम किया। ये बात इतनी समझ में आ जानी चाहिए, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। इसके बाद ये सवाल तो हो गया कंप्लीट। इसके बाद मैंने एक क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क के लिए छोड़ दिया है, थोड़ा सा बड़ा सवाल है, बड़ा क्या मैंने बड़ा बड़ा लिखा है, इसे होमवर्क मान लो। होमवर्क में इसका आंसर मेरे को चाहिए, ठीक है, ऑप्शन वाला क्वेश्चन है, इसका आंसर चाहिए इसका। देखते हैं कितने लोग सही लगाते हैं, कमेंट करके ज़रूर बताना कि इसका आंसर क्या आ रहा है, आसानी से लगेगा और लगेगा ज़रूर, है ना। चलो भाई, इसके बाद अब हम लोग देखते हैं
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। तो अब आगे हम बात कर रहे हैं, आगे हम बात करेंगे किसकी, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस की बात करेंगे। थोड़े से ग्राफ भी पढ़ लेते हैं यार, है ना, क्योंकि ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं तो हैंग डाल लेते हैं क्या। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन और कंपैरिजन बिटवीन एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल, रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एडियाबेटिक रिवर्सिबल एंड इररिवर्सिबल प्रोसेसेस, ठीक। तो एडियाबेटिक का करें, बाकी तुम अपने आप करोगे, एक एडियाबेटिक करके देखेंगे और एडियाबेटिक को आइसोथर्मल से हम लोग कंपेयर करके देखेंगे, तो बाकी तो कर ही लोगे। नंबर ए देखते हैं इसमें, फॉर सेम फाइनल प्रेशर की अगर हम बात करें, तो अगर हम एक्सपेंशन की बात करें, इसमें पॉइंट वन लिख लेते हैं फॉर एक्सपेंशन, फॉर एक्सपेंशन एंड सेम अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक, सेम अमाउंट ऑफ वर्क भी करना है और एक्सपेंशन भी करना है हमें, और फाइनल प्रेशर भी सेम रखना है, तो कैसे देखेंगे। मान लेते हैं ये कोई हमने पीवी कर बनाया, ठीक है, अब एक पोजीशन ए थी जिसपे प्रेशर पी वन वी वन था, इससे हमें फाइनल प्रेशर पी टू वी टू पे आना था और वॉल्यूम ये थी, एक्सपेंशन करा रहे थे, फाइनल प्रेशर तक आना था, फाइनल प्रेशर पी टू तक आना था, वी टू की जरूरत नहीं, फाइनल प्रेशर पी टू तक आना था, ठीक, सेम फाइनल प्रेशर तक आना था। तो एक तरीका ये था कि हम रिवर्सिबली आ गए यहाँ से यहाँ तक, हम यहां से यहां तक रिवर्सिबल आए, और रिवर्सिबल आने में क्या हुआ, रिवर्सिबल आने में ये हुआ कि हमारे पास जो वॉल्यूम था उस टाइम पे वो कुछ वी टू खर्च हुआ। अब सेम अमाउंट ऑफ वर्क भी चाहिए, ध्यान देना भाई मेरी बात पे, सेम अमाउंट ऑफ वर्क चाहिए तो हमें एरिया अंडर द कर्व जो आएगा वो हमें वर्क दे देगा, तो जो एरिया आ रहा है वो ये पूरा एरिया आ रहा है, ये आ गया हमारा एरिया अंडर द कर्व, यानी कि ये हमारा पीवी वर्क है, ये क्या है, पीवी वर्क है, और ये रिवर्सिबल है, कैसा है, रिवर्सिबल है, ये प्रेशर सिचुएशन पी वन है और ये प्रेशर सिचुएशन पी टू है, ठीक। अब हमसे कहा कि भाई अब रिवर्सिबल नहीं आना, अब इरिवर्सिबली आओ, सेम अमाउंट ऑफ वर्क करना है तो ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा या कम एक्सपेंड करना पड़ेगा, तो इरिवर्सिबली आए तो हम यहां से यहां आ गए, देखो मैंने, ठीक, इस पॉइंट पे आए और यहां तक पहुंचे पी टू तक, लेकिन इसमें जो वर्क आ रहा है वो देखने में व्हाइट वाली लाइन आ रही है वर्क, ठीक, तो हमें इसे थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा किसी वॉल्यूम V3 तक, जिससे कि वर्क जो है वो कंपनसेट कर जाए, कौन सा वर्क, दिस वर्क, दिस एरिया एंड दिस एरिया हैज टू बी सेम। तो जब हम इरिवर्सिबल वर्क कर रहे हैं तो हमें वर्क ज्यादा करना पड़ रहा है, वर्क ज्यादा मतलब एक्सपेंशन ज्यादा वॉल्यूम तक करना पड़ रहा है इरिवर्सिबली रादर देन रिवर्सिबल। तो अगर हमसे कोई पूछ ले कि ये V2 जो है वो रिवर्सिबल वॉल्यूम है और V3 जो है वो इरिवर्सिबल वॉल्यूम है, तो कौन ज्यादा है, V इरिवर्सिबल इज ग्रेटर देन V रिवर्सिबल, समझ में आई बात, बात समझ में आ जानी चाहिए कि V इरिवर्सिबल ज्यादा होगा V
रिवर्सिबल से, ऐसे ही तुम्हें अपने आप कंपैरिजन करना है कंप्रेशन में, कंप्रेशन में क्या आएगा ये हमें बताना है, ठीक है करके, ठीक है। तो इस बात को अगर लिख भी दूं मैं तो लिख देते हैं, वी नीड टू एक्सपेंड द गैस टू द मोर वॉल्यूम irreversibly to extract same amount of work, कंप्रेशन के लिए करोगे तो कंप्रेशन के लिए मैं आंसर बता दूं कि जो कंप्रेशन में वर्क होगा तो मैं कम कंप्रेस करना पड़ेगा, इरिवर्सिबल में तो उसमें भी इरिवर्सिबल ज़्यादा आएगा, कंप्रेस कम करना पड़ेगा लेकिन वॉल्यूम कैसा आएगा, ज़्यादा आएगा क्योंकि बैकवर्ड जा रहे होंगे, ध्यान रखना इस बात को, घर पे करके देखोगे तो पता लग जाएगा बिल्कुल, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अब केस टू ले लेते हैं, मैंने कंप्रेशन वाला नहीं किया, कंप्रेशन वाला ये मान के छोड़ रहा हूँ कि तुम लोग कर ही लोगे, नहीं तो फिर हर चीज़ डिस्कस करूँगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा ना। तो बात अगर समझ में आ गई कि अगर हमने रिवर्सिबली किया तो एरिया अंडर द कर्व लाना था, तो सेम एरिया जनरेट करने के लिए अब हमें ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ा होगा, ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ा होगा तो वॉल्यूम हमारा ज़्यादा आएगा, ठीक। अब केस नंबर टू पे आ जाते हैं, केस नंबर टू क्या है, कंपैरिजन बिटवीन आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक। कंपैरिजन बिटवीन एडियाबेटिक एंड आइसोथर्मल प्रोसेस में पहला केस कर लेते हैं, इसमें भी ए हेडिंग डाल लेते हैं, फॉर सेम फाइनल वॉल्यूम अगर हम सेम फाइनल वॉल्यूम तक एक्सपेंड कर रहे हैं गैस को तो देखना कैसा फिगर बनेगा। ये प्रेशर वॉल्यूम कर्व ले लिया, मान लेते हैं हमें इसी वॉल्यूम तक एक्सपेंड करना है, यहीं तक, ठीक, इस पॉइंट से। तो हमने दो कर्व बनाए, एक ये बनाया और एक ये बनाया, तो ये पॉइंट ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये एक्सपेंशन का निशान लगा दिया हमने। तो हमें ये बताना है कि कर्व कौन सा एडियाबेटिक है और कौन सा आइसोथर्मल है। तो हम एक चीज़ जानते हैं कि पी वी इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट जो होता है वो आइसोथर्मल प्रोसेस, वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, और पी वी रेस टू द पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ये कैसा प्रोसेस है, ये एडियाबेटिक प्रोसेस है, ये कैसा है, एडियाबेटिक प्रोसेस है। अब अगर हम किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप करें तो कौन पहले नीचे आएगी, जिसका स्लोप ज़्यादा होगा। देखो भाई, अगर हम किसी बॉल को यहाँ से ड्रॉप करें, मान लो लिख ही देते हैं यहाँ से एक बॉल ड्रॉप करते हैं, तो कौन सी जल्दी नीचे आएगी, जो कौन सी तेज़ी से पहले पहुँचेगी, नहीं पहले पहुँचने वाला तो कंसेप्ट गड़बड़ी है, कौन तेज़ी से नीचे आएगी, नीचे आएगी सी वाले पाथ से। तो सिंस गामा इज ग्रेटर देन वन, तो स्लोप ऑफ ए सी कर्व विल बी मोर, तो एसी कर्व का स्लोप क्या होगा, ज्यादा है, विल बी नहीं, इज मोर, ऐसा लिख देता है, इज मोर, सो इट विल बी एडियाबेटिक, कैसा होगा, एडियाबेटिक होगा। तो ये नीचे वाला कर्व कैसा हो गया, ये एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए हो गया, और ऊपर वाला आइसोथर्मल हो गया। तो इसे क्या पॉइंट बना के लिख लें, देख लेते हैं इस बात को, इफ वी स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट एंड रीच एट सेम फाइनल वॉल्यूम,
देन द अपर कर्व देन द अपर कर्व विल बी आइसोथर्मल एंड लोअर विल बी एडियाबेटिक एंड इन केस ऑफ कंप्रेशन दिस विल बी रिवर्स्ड. दिस विल बी रिवर्स का मतलब क्या है कि ऊपर वाला जो कर्व होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, आइसोथर्मल हो जाएगा. तो अगर हम इसका प्रेशर लिख लें, इसका पी आइसोथर्मल लिख लें और पी एडियाबेटिक लिख लें, तो कौन ज्यादा होगा, पी आइसोथर्मल विल बी ग्रेटर देन पी एडियाबेटिक. तो इस तरह का छोटा छोटा सवाल आएगा तो हम कर देंगे पेपर में आसानी से. ठीक, चलो भाई अब आगे बात करें. तो ये सेम फाइनल किसके लिए था, वॉल्यूम के था. अगर हम सेम फाइनल प्रेशर के लिए बात करें, बी पार्ट लिख लेते हैं, फॉर सेम फाइनल प्रेशर के लिए कर्व बनाए. अगर अब तो तुम समझदार हो, कैसे बना लोगे सेम फाइनल प्रेशर के लिए. ये पीवी कर्व बनाया, यहां से चले, मान लिया यहां तक आना हमें, इसी प्रेशर तक आना है, तो कौन सा एडियाबेटिक है, नीचे वाला क्या है एडियाबेटिक और ये वाला कौन सा है आइसोथर्मल. ये क्या है, वी एडियाबेटिक और ये वी आइसोथर्मल है. ये आइसोथर्मल है क्योंकि ऊपर है ये, और नीचे वाला क्या है एडियाबेटिक है. तो इससे छोटा सा सवाल बनता है कि किसमें वॉल्यूम ज़्यादा आएगा, किसमें ज़्यादा एक्सपेंड करना पड़ेगा. तो वी आइसोथर्मल इज ग्रेटर देन वी एडियाबेटिक आ गया. कंप्रेशन के लिए अपने आप कर लोगे, मैं मान लूँ कर लोगे, अपने आप बना के देखना, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत नहीं आती है. अब ग्राफ वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं कि ग्राफिकल क्वेश्चन को कैसे करना होगा. ग्राफिकल क्वेश्चन के लिए करने के लिए क्या करते हैं, क्वेश्चन ही लिख लेते हैं सीधे. मान लेते हैं, लिख लेते हैं क्वेश्चन, अ गैस हैज बीन सब्जेक्टेड, अ गैस हैज बीन सब्जेक्टेड टू फोर डिफरेंट प्रोसेसेस, टू एन आइसोकोरिक एंड आइसोबारिक साइकिल शोन इन द फिगर. ठीक, तो ऐसा फिगर बना लेते हैं, आइसोकोरिक और आइसोबारिक प्रोसेस है, तो एक स्क्वायर ही बना लेते हैं अच्छा सा. और इसका जो डायरेक्शन है वो 1, 2, 3, 4 है, इस तरह से. ठीक, यहाँ पे प्रेशर इसका जो है वो P1 है, यहाँ पे प्रेशर इसका P2 है, यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V1 है, और यहाँ पे वॉल्यूम जो है वो V2 है. ठीक, तो सवाल ये है, प्लॉट द ग्राफ ऑफ दिस साइक्लिक प्रोसेस इनटू PT एंड VT कर्व. तो लिख देते हैं कन्वर्ट दिस ग्राफ, प्रॉब्लम यहाँ से लिखते हैं, लिखते हैं कन्वर्ट दिस ग्राफ इनटू PT एंड VT कर्व. PT एंड VT कर्व, तो पहले हम PT कर्व में कन्वर्ट करने की सोचते हैं. ठीक है, देखो कैसे करेंगे. तो ये क्या हो गया, ये हमने प्रेशर ले लिया यहाँ पे, और यहाँ पे टेम्परेचर ले लिया. अब जरा ऊपर से देखते रहना भाई ध्यान से, 1 से 2 वाला प्रोसेस कैसा है, आइसोबारिक प्रोसेस है. तो 1 से 2 वाला प्रोसेस आइसोबारिक है, तो 1 से 2 हमने आइसोबारिक बना लिया इसे, इसे हमने 1 से 2 आइसोबारिक बना लिया. अच्छा, 1 से 2 आइसोबारिक है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ा होगा. ध्यान रखना कैसे, पीवी क्वेश्चन आरटी से. अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो एनआर अपॉन वी इंटू टी हो जाएगा,
या अगर वी लिखें तो एन आर अपॉन पी इंटू टी हो जाएगा। तो अगर प्रेशर कॉन्स्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो टेम्परेचर बढ़ गया तो ये हो गया वन से टू। टू से थ्री कैसा है? टू से थ्री कह रहा है कि आइसोकोरिक है। देखो ध्यान से, टू से थ्री क्या है? आइसोकोरिक है। ये क्या है? आइसोकोरिक प्रोसेस है। अगर ये आइसोकोरिक है तो वी और पी और टी में जो रिलेशन आएगा वो स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू ओरिजिन। तो ये कुछ ऐसे इस तरह की लाइन आ रही होगी, इससे थोड़ा छोटा ही रख लेते हैं, ऐसा कर लेते हैं, इस सबको उठा के किनारे लिख लेते हैं। अरे यार लाइन भी उड़ गई, कोई दिक्कत नहीं। तो ये इससे क्या बन गई भाई? ये लाइन बन गई। तो ये टू से थ्री तक बन गई, ठीक। अब वॉल्यूम प्रेशर बढ़ रहा था तो टेम्परेचर भी बढ़ा होगा। अब क्या कह रहा है? थ्री से फोर पे जो है वो आइसो बारिक है फिर से, और कंप्रेशन हो रहा है तो टेम्परेचर भी कम होगा, पीछे ही आएगी रिएक्शन। और फोर से वन तक फिर से आइसोकोरिक है, तो ये एक्सट्रापोलेट करके हमने जो स्क्वायर था उसका क्या बना दिया? ट्रेपेजियम बना दिया। तो ये बन गया हमारा पीटी कर्व। तो अगर हम ये कह दें कि अगर पीवी कर्व क्लॉकवाइज है तो पीटी कर्व भी क्या होगा? क्लॉकवाइज ही होगा। लिख लेते हैं इस बात को, यहां पे लिख देते हैं, इफ PV curve is clockwise, then PT curve will be clockwise. PT curve will be clockwise and VT curve will be एंटी क्लॉकवाइज। वीटी कर्व विल बी एंटी क्लॉकवाइज, बात समझ में आनी चाहिए। तो वीटी कर्व के लिए मैं जगह छोड़ दे रहा हूं, वीटी कर्व तुम्हें बनाना है इसके, ठीक है, घर पे बनाना, ये होमवर्क है, बन जाएगा आसानी से, कोई दिक्कत आएगी नहीं, ठीक। एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, ट्रेपेजियम ही बनेगा, ठीक। तो हम ग्राफिकल क्वेश्चंस को भी अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर हम थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे तो कर लेंगे, ठीक। डिग्री ऑफ फ्रीडम के बारे में मैं ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ, बस डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम लोग हेडिंग डालेंगे और फटाफट लिख लेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होती है मोनोएटॉमिक गैस के लिए तीन होती हैं, और ये तीनों कौन सी होती हैं? ट्रांसलेशनल होती हैं। भाई देखो सिंपल बात है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। डिग्री ऑफ फ्रीडम का मतलब है एक किसी पॉइंट से एक टाइम पे कितनी जगह जाने की प्रोबेबिलिटी है। तो अगर यानी मान लो कोई गैस मॉलिक्यूल है तो वो एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है और जेड में जा सकता है। यही हो सकता है ना कि एक्स में चला जाए, वाई में चला जाए और जेड में चला जाए। तो तीन ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक। डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? डायटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम जो होंगी वो 5 होंगी। कैसे बटेंगी? 3 + 2, 3 होंगी ट्रांसलेशन की और 2 होंगी रोटेशन की, ठीक। तो टोटल 5 होंगी। ट्राईएटॉमिक गैस के लिए, ट्राईएटॉमिक मॉलिक्यूल 2 तरह का हो सकता है, एक तो लीनियर हो सकता है और नॉन लीनियर हो सकता है। लीनियर के लिए टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होंगी, बाइफर्केशन लिखेंगे 3 + 2, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन। और नॉन लीनियर के लिए कितनी होंगी? 6 होंगी, अगर हम बाइफर्केशन लिखें तो 3 + 3 लिखेंगे, 3 ट्रांसलेशन की और 3 रोटेशन की। इतनी बात समझ में आनी चाहिए। तीन रोटेशन मतलब एक्स वाई प्लेन में, वाई जेड प्लेन में और जेड एक्स प्लेन में। लेकिन लीनियर चीज एक्स वाई प्लेन और वाई जेड प्लेन में, मतलब किसी एक प्लेन में वो घूम ही नहीं पाएगी, पता ही नहीं चलेगा। जैसे पेन ले लें,
ये लीनियर है, अगर ये इस प्लेन में घूम रहा है तो इसे हमें पता ही नहीं चलेगा ना डिग्री ऑफ फ्रीडम। इसे कौन कौन से प्लेन में घुमा सकते हैं, एक तो इस प्लेन में घुमा सकते हैं और एक इस प्लेन में घुमा सकते हैं, समझ गए ना। इस प्लेन में रोटेट करने से कोई फायदा नहीं है, ठीक। इसे या तो हम ऐसे घुमा सकते हैं या फिर ऐसे घुमा सकते हैं, तो दो ही प्लेन में घुमा सकते हैं, तीसरे प्लेन में से नहीं घुमा सकते। लेकिन जो ट्राइटॉमिक गैस होगी उसे हम दो प्लेन से या मतलब तीन प्लेन में घुमा सकते हैं। वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, तो वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम लिख लेते हैं, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए बात लिख लेते हैं, दे एक्टिवेट ओनली एट हाई टेम्परेचर, दे एक्टिवेट ओनली एट हाई टेम्परेचर, ठीक। तो नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का फॉर्मूला, नंबर ऑफ वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 3n-5 फॉर लीनियर मॉलिक्यूल और 3n-6 होगा फॉर नॉन लीनियर मॉलिक्यूल। तो अभी इसे ध्यान ही रखते हैं, वेयर n इज द नंबर, n इज एटॉमिसिटी। अभी तो इसे हम लोग याद ही रखते हैं, वो ज्यादा सही है, कोई फायदा नहीं इसे डेराइव करने का क्योंकि समय कम है। मैं समझा भी सकता हूँ इसे बहुत आसानी से, लेकिन अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इस पर ज़्यादा जोर देने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर हो गई तो हम इससे गामा निकाल सकते हैं, एडियाबेटिक एक्सपोनेंट। गामा हमारा कितना था, 1+2/f था, गामा हमारा क्या था, 2/f था, और गामा हम लिखते हैं CP/CV के बराबर। ये बात पहले हो चुकी है, तो इस बात को ध्यान रखेंगे। अगर हमें गामा किसी मिक्सचर का निकालना हो, गामा हमें अगर किसी मिक्सचर का निकालना हो, गामा फॉर मिक्सचर ऑफ गैसेस, तो वो कैसे निकालेंगे, तो इसे लिख लेते हैं, गामा मिक्स इज इक्वल टू n1 CP1 plus n2 CP2 plus n3 CP3 एंड सो ऑन डिवाइडेड बाय n1 CV1 plus n2 CV2 plus n3 CV3 एंड सो ऑन। तो इस तरह से हम मिक्सचर का गामा भी फाइंड आउट कर सकते हैं, वेयर n1 n2 n3 आर द मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस। लिख दें इस बात को भी, वेयर n1 n2 n3 आर द मोल्स ऑफ डिफरेंट गैसेस, ठीक है। सिंपल बात है, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए आसानी से, ठीक। अब बात करते हैं कि क्या हम सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं, या हम सारे वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई भी एनर्जी का लॉस होगा या नहीं होगा। इस बात को समझने के लिए एक साइंटिस्ट था कार्नोट, जिसने एक साइक्लिक प्रोसेस में ये प्रूफ किया कि सारे के सारे एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, यानी कि इंजन की एफिशिएंसी 1 नहीं हो सकती। मतलब कि मैं तुम्हें सारा पढ़ाऊँ तुम एक बार में ही पूरा समझ जाओ, ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर 80-90% समझ आ रहा तो मोर देन एनफ है, ठीक। तो हैंड डाल लेते हैं कार्नोट हीट इंजन साइकिल, कार्नोट हीट इंजन साइकिल। कार्नोट हीट इंजन साइकिल में क्या किया, उसने एक पीवी कर्व बनाया, एक साइक्लिक प्रोसेस बनाया पीवी, जिसमें पॉइंट ए से चल के पॉइंट ए पे वापस आए, और कैसे आए, साइक्लिक प्रोसेस के थ्रू आए, ठीक। ए से बी आए, बी से सी आए, ए से डी आए, मतलब सी से डी आए, स्ट्रेट लाइन नहीं थी यार, कर्व था, ठीक। तो यहाँ से डी आए, तो इस तरह से साइक्लिक प्रोसेस है,
ठीक। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं पी वन वी वन है, इसके मान लेते हैं पी टू वी टू है, इसके मान लेते हैं पी थ्री वी थ्री है, और इसके मान लेते हैं पी फोर वी फोर मान लेते हैं। अब एक पॉइंट से शुरू कर रहे हैं तो ये हमारा जो पॉइंट है ये क्या है, हमें इसे आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, उसने प्रोसेस को कैसे किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, आइसोथर्मल एक्सपेंशन किया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, दो बार गैस को एक्सपेंड किया और दो बार कंप्रेस किया, ठीक, एडियाबेटिक एक्सपेंशन किया, फिर आइसोथर्मली कंप्रेस किया, आइसोथर्मल कंप्रेशन किया और फिर एडियाबेटिक कंप्रेशन किया। ऊपर वाले में टेम्परेचर टी टू था और नीचे वाले का टेम्परेचर टी वन मान लेते हैं, तो इसमें क्या किया हुआ, एक्सपेंशन में हीट हमने दी होगी, क्या हुई, हीट दी है जिसे हमने क्यू टू लिख लिया, और इसमें हीट रिजेक्ट हुई, क्यू वन नाम की हीट रिजेक्टेड है, ये हीट रिजेक्टेड है और ये हीट जो है वो हीट गिवन है, ठीक। तो इस तरह का साइक्लिक प्रोसेस था। अब हमें सारे वर्क की डेफिनेशन पता है, सबकी वैल्यू रखते जाएंगे और एफिशिएंसी जब निकालेंगे तो एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं, ईटा इज कॉल्ड एफिशिएंसी, ठीक है। मैं डेराइव नहीं कर रहा हूं इस बात को, इस बात को डेराइव करना है फिजिक्स में भी तुम लोगों ने कर रखा होगा, और डेरिवेशन मतलब कार्नोट का इजी है, सब जगह मिलता है, जहां भी तुम पढ़े होगे उन्होंने करवाया जरूर होगा, फिजिक्स में करवाया होगा या केमिस्ट्री में करवाया होगा, मैं केमिस्ट्री में भी करवाता हूं जिससे कि हमें सेकंड लॉ समझने में आसानी होती है। तो एफिशिएंसी इज टोटल वर्क डन इन द साइक्लिक प्रोसेस डिवाइडेड बाय नेट हीट गिवन, ठीक। तो इसे जब तुम फॉर्मूला वगैरह सब लगाओगे, सब कुछ वैल्यू पुट कर दोगे, तो मैं फाइनली इसका आंसर ही लिख दूं, डेराइव तो ना करूँ ना। अगर डेरिवेशन के लिए कहोगे तो फिर मैं केवल कार्नोट का एक डेरिवेशन का अलग से वीडियो बना दूंगा, अगर तुम्हें बहुत ज़रूरत होगी, वैसे मिल जाएगा आसानी से, कार्नोट का डेरिवेशन उतना मुश्किल है नहीं। तो इससे जब ईटा की वैल्यू निकालोगे तो ये आ जाएगी 1 माइनस टी वन अपॉन टी टू आ जाएगी, एंड टी वन इज लेस देन टी टू, तो ईटा विल बी ऑलवेज लेस देन 1। तो कार्नोट ये कह रहा है कि एफिशिएंसी किसी भी इंजन की 1 नहीं हो सकती। तो मैं करना क्या है, तो मैं नेटवर्क डन कैसे निकालना है, मैं हिंट दे देता हूँ, क्या करोगे, डब्ल्यू ए बी निकालोगे प्लस डब्ल्यू बी सी निकालोगे प्लस डब्ल्यू सी ए निकालोगे सी डी निकालोगे प्लस डब्ल्यू डी ए निकालोगे डिवाइडेड बाई क्यू टू कर देना, बस आंसर आ जाएगा ये, ठीक। एडियाबेटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस सबको कर देना, तो ये एफिशिएंसी है तुम्हारी, ठीक, ईटा इक्वल टू, ठीक, ईटा इक्वल टू, ये एफिशिएंसी आ जाएगी आसानी से, यहाँ पे ईटा लिख देते हैं, ठीक। तो ये एफिशिएंसी का सीधे फॉर्मूला लिखा है, इसे सॉल्व कर लोगे तो आंसर इससे आ जाएगा, एफिशिएंसी सीधे ही निकल आएगी, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी, ठीक है। इतनी बात समझ में आनी चाहिए कि एफिशिएंसी किसी भी साइक्लिक प्रोसेस की क्या 1 नहीं हो सकती, यानी कि जितना सिखाया जाए सब तुम सीख जाओ एक बार में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये थर्मोडायनेमिकली सूटेबल ही नहीं है, ठीक। तो अगर ऐसा नहीं है तो हो क्या रहा होगा कि फर्स्ट लॉ में कुछ ना कुछ दिक्कत आ रही होगी। फर्स्ट लॉ कह रहा था कि हम सारी की सारी एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं और सारी के सारे वर्क को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर एफिशिएंसी 1 नहीं आ रही तो एनर्जी जा कहाँ रही है, यानी कि सारी की सारी एनर्जी वर्क में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है। जब कन्वर्ट नहीं हो पा रही तो कहीं तो जा रही होगी एनर्जी, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, इसे समझने के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की। तो चलो देखते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, तो देखते हैं सेकेंड लॉ क्या कह रहा है। सेकेंड लॉ मैंने पहले से लिख के रखा है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो रहा है, तो टाइम थोड़ा सा बचाने के लिए जो जो डेफिनेशन है उसे लिख के रख ले रहे हैं, डेरिवेशन मैं करूँगा, है ना, जहाँ जहाँ जरूरत है समझाने को समझाता हुआ तो चल रहा हूँ। सेकेंड लॉ क्या कह रहा है, फर्स्ट लॉ क्या कह रहा था कि
ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस इन सच अ मैनर दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन्स कॉन्स्टेंट। यानी कि वो कह रहा था कि टोटल एनर्जी यूनिवर्स की है वो कैसी रहती है, वो फिक्स रहती है, वो चेंज नहीं होती है। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे काम कर रहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बहुत अच्छा चल रहा था, हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे थे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। लेकिन इसमें एक दिक्कत आ गई, क्योंकि एफिशिएंसी कारनॉट के हिसाब से वन नहीं आ रही थी। जब एफिशिएंसी वन नहीं आ रही तो कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हो गई ना भाई, तभी तो ये दिक्कत आ रही है। तो इसमें क्या क्या, बट इज इट इज ऑब्जर्व दैट ऑल द प्रोसेस हैव ए नेचुरल डायरेक्शन ऑफ फ्लो और स्पॉन्टेनिटी। और फर्स्ट लॉ इसका आंसर देने में असमर्थ था, मतलब फेल कर जा रहा था कि क्यों पानी ऊपर से नीचे गिरने में ही ज़्यादा फेवरेबल है, या कोई भी काम तुम्हारा ना पढ़ना क्यों ज़्यादा स्पॉन्टेनियस है रादर देन पढ़ने से। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से तो ना पढ़ना और पढ़ना बराबर ही होना चाहिए था। तो उसे एक्सप्लेन करने के लिए जरूरत पड़ी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ पढ़ते हैं जरा ध्यान से, इंग्लिश में, पूरा इंग्लिश में पढ़ेंगे, फिर मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या कह रहा। नो प्रोसेस इज पॉसिबल हुज सोल रिजल्ट इज अ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम अ बॉडी एट अ लोअर टेम्परेचर टू अ बॉडी एट हायर टेम्परेचर। इन अ रेफ्रिजरेटर हीट फ्लोज फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी बट ओनली वेन द फोर्स ऑफ बाई एन एक्सटर्नल एजेंट कॉल्ड कंप्रेसर इज अप्लाइड। कह रहा है कि कोई भी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस ऐसा नहीं हो सकता जिसका काम केवल ट्रांसफर ऑफ हीट हो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हायर बॉडी, मतलब हॉटर बॉडी, ऐसा ये हो नहीं सकता। नेचुरल डायरेक्शन क्या होता है, हॉट से कोल्ड की तरफ होता है, कोल्ड से हॉट करने के लिए हमें अलग से एक्सटर्नल एजेंट को लगाना पड़ेगा, या अगर हमें कोल्ड से हॉट को हमें एनर्जी देनी है तो एक्सटर्नल एजेंट लगाना पड़ेगा, जैसे हम अपने रेफ्रिजरेटर में करते हैं, फ्रिज में करते हैं, जिसे हम कंप्रेसर कहते हैं, कंप्रेसर की मदद से ऐसा कर पाते हैं। ये स्टेटमेंट थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, समझ में कम आता है, तो इसके लिए केल्विन ने एक स्टेटमेंट और दिया। केल्विन का स्टेटमेंट क्या था, नो प्रोसेस इज पॉसिबल इन विच द सोल रिजल्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट फ्रॉम अ रिजर्वायर एंड इट्स कंप्लीट कन्वर्जन इनटू वर्क। ये ज्यादा अच्छा स्टेटमेंट, सुंदर सा स्टेटमेंट है। क्या कह रहा है कि कोई भी ऐसा थर्मोडायनेमिक पॉसिबल प्रोसेस पॉसिबल ही नहीं है जिसका काम केवल क्या हो कि वो रिजर्वायर, यानी कि जहां पे ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट हो वहां से हीट एब्जॉर्ब कर ले और उसे पूरे के पूरे किस में कन्वर्ट कर दे, वर्क में कन्वर्ट कर दे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। कुछ ना कुछ हीट जो है वो सिंक में जरूर जाएगी। सिंक मतलब वेस्ट ऑफ एनर्जी, सिंक मतलब वेस्ट, सिंक मतलब क्या होता है, वेस्ट। कुछ ना कुछ एनर्जी वेस्ट में जरूर जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता कि सारी की सारी एनर्जी जो हो वो रिजर्वायर से आके वर्क में कन्वर्ट हो जाए, वो बाइफर्केट कर जाएगा, रास्ता उसका बदल जाएगा, मतलब रिजर्वायर से आ रही थी और बाइफर्केट करके कहाँ चली गई, थोड़ी सी सिंक में जरूर गई। ये कंपलसरी प्रोसेस है, ऐसा हो नहीं सकता कि ऐसा ना हो। ठीक, इस बात को समझने के लिए हमें जरूरत पड़ी एंट्रोपी की। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी इज अ थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी दैट कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एनर्जी अनअवेलेबल फॉर डूइंग वर्क। एनर्जी अनअवेलेबल है, इस शब्द का मतलब भारी है भाई। एनर्जी अनअवेलेबल का मतलब है कि वो एनर्जी जो काम करने के लिए मौजूद नहीं है। अब ऐसी एनर्जी को हम कैसे मेजर करेंगे जो मौजूद ही नहीं है, जैसे कि हम लोग मान लेते हैं कि क्लास में होते हैं ना, फिजिकल क्लास की बात कर रहा हूँ, यूट्यूब की बात, या यूट्यूब पर भी तुम होते हैं, बैठते हैं मान लो, तो जो YouTube शुरू करने से पहले, क्लास शुरू करने से पहले जो हम 5 मिनट अपने आप को एडजस्ट करने में लगाते हैं, जो एनर्जी उसमें वेस्ट होती है, मैं जो रिकॉर्ड करने से पहले सेटअप लगाता हूँ उसमें जो एनर्जी वेस्ट हो रही है, वो यूज़फुल वर्क में तो नहीं है, ये हमारे काउंट नहीं हुई, क्योंकि रिकॉर्डिंग में तो कोई पोर्शन उसका दिखाई नहीं दिया ना, तुम्हें महसूस हुआ कि कितना पीछे बैकग्राउंड काम मैंने किया इसके लिए, तो वो क्या है तुम्हारे लिए, अनअवेलेबल एनर्जी है फॉर डूइंग यूजफुल वर्क। वो ऐसी एनर्जी थी जो वेस्ट हो गई, जिसने कोई यूजफुल काम नहीं किया। ऐसे टीचर जब क्लास में जाता है तो बच्चों को शांत कराने में जो एनर्जी लग जाती है वो पढ़ाने में तो वेस्ट नहीं हुई, वो कैसी एनर्जी है, वो हमारी अनयूजफुल एनर्जी है, अनअवेलेबल एनर्जी है, जो हम जिससे हम यूजफुल वर्क कर सकते हैं, तो वो एनर्जी यूजफुल वर्क करने के लिए थी लेकिन क्योंकि वेस्ट हो गई इसलिए हम क्या करें, अनअवेलेबल एनर्जी है वो, तो इसे हम लिखते हैं डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी। और एंट्रोपी का सिंपल मतलब होता है डिसऑर्डर। देखो हम सारे लोग क्या होना चाहते हैं, रैंडम या ऑर्गेनाइज, कमेंट करके बताना भाई जल्दी से, अभी बताना, रोक के आगे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा फिर तो मजा ही नहीं आएगा। तुम में से ज्यादातर लोग ये कहोगे कि हम लोग सर हम तो ऑर्गेनाइज होना चाहते हैं, और मैं कहूँ कि नहीं तुम ऑर्गेनाइज नहीं होना चाहते, तुम रैंडम होना चाहते हो, डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो, केओस क्रिएट करना चाहते हो, तो तुम कहोगे नहीं नहीं सर हम लोग तो इसलिए पढ़ रहे हैं कि हम अच्छे से पढ़ाई करेंगे, फिर सेलेक्ट हो जाएंगे, सेलेक्ट होकर पैसा कमाएंगे और सेटल हो जाएंगे, तो ऑर्गेनाइज होंगे हम तो ना। नेचुरल
टेंडेंसी जो है वो हर किसी की डिसऑर्डर करने की है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग रैंडम होना चाहते हैं। रैंडम मतलब कि हम बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं या हम बहुत सारा काम करना चाहते हैं, हम बहुत सारे काम से बहुत सारा पैसा आएगा और बहुत सारे पैसे से हम रैंडम हो जाएंगे, जब जो चीज आएगा वो खरीदेंगे। ऑर्गेनाइज होने का मतलब है तुम अपने आप को कंस्ट्रेंट कर रहे हो, तुम कंस्ट्रेंट नहीं लगाना चाहते, यानी क्या करना चाहते हो, रैंडमाइज होना चाहते हो, डिसऑर्डर क्रिएट करना चाहते हो, जहाँ हो वहाँ नहीं रहना चाहते, तो हम केओस क्रिएट करना चाहते हैं भाई। रैंडम अगर ऑर्गेनाइज रहना तो आइसोलेट रहो, बिल्कुल बिल्कुल ऑर्गेनाइज रहोगे, कोई दिक्कत नहीं किसी से, लेकिन हम लोग ऐसा चाहते नहीं ना, हम लोग तो रैंडम होना चाहते हैं। तो पूरी यूनिवर्स भी क्या होना चाह रही है, पूरा यूनिवर्स भी अपने आप को रैंडमाइज करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए हम कहते हैं एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेस। अब प्रेडिक्शन ऑफ साइन ऑफ डेल्टा एस, देखना ध्यान से बात यह है देखने की कि डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, इस फॉर्मूले को हम यूज़ करेंगे लेकिन इस फॉर्मूले से चिपकेंगे नहीं, ठीक लॉजिकली सोचेंगे। इस फॉर्मूले के थ्रू सोचोगे तो कई बार गलत रिजल्ट्स दोगे, जैसे अगर हम बात करें कि चेंज इन एंट्रोपी विद चेंज इन टेम्परेचर एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम, भाई आंसर मत देखना जरा ध्यान सुनना, अगर हमने कॉन्स्टेंट टेम्परेचर चेंज टेम्परेचर किया तो टेम्परेचर मान लो हमने बढ़ाया, वॉल्यूम कम किया, तो सेम वॉल्यूम में अब जो गैसेस थी उनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी, नहीं बढ़ गई होगी, बढ़ गई होगी यार, तुम समझ ही रहे हो बात को, कि सेम वॉल्यूम अगर सेम है तो कॉन्स्टेंट टेम्परेचर पे क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने से काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल्स की बढ़ेगी, काइनेटिक एनर्जी गैस पार्टिकल की जैसे ही बढ़ेगी उनकी एंट्रोपी क्या होगी, उनकी एंट्रोपी बढ़ जाएगी, ठीक। तो डेल्टा सिस्टम कैसा आ जाएगा, जीरो, मतलब ग्रेटर देन जीरो आ जाएगा। अब अगर चेंज इन वॉल्यूम किया एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर, तो अगर फॉर्मूला देख लोगे तो फॉर्मूला देख के तो ये कहोगे कि फॉर्मूला क्या लिखा था, फॉर्मूला लिखा था डी एस इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तुम कहोगे सर टेम्परेचर कॉन्स्टेंट कर दिया तो क्यू भी कॉन्स्टेंट हो गया, एस भी कॉन्स्टेंट हो गया, लेकिन ऐसा है नहीं। तुम ये सोचो कि रूम टेम्परेचर ही है, तुम्हारे पास छोटा कमरा हो तो ज़्यादा तुम क्योस कर पाओगे या बड़ा कमरा हो तो ज़्यादा क्योस कर पाओगे, किसमें रैंडम ज़्यादा हो पाओगे, एंट्रोपी किसमें ज़्यादा होगी, बड़े कमरे में होगी। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे एंट्रोपी भी बढ़ेगी, बात समझ में आ जानी चाहिए, ठीक। अब फॉर फेज चेंज बात करें तो इन जनरल क्या कह सकते हैं, सॉलिड लिक्विड और गैस में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, जिसमें बाइंडिंग फोर्सेस कम होंगे, तो इसमें सॉलिड लिक्विड गैस में किसकी ज़्यादा होगी, सॉलिड लिक्विड गैस में गैस की एंट्रोपी ज़्यादा होगी विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड एंड विद रिस्पेक्ट टू सॉलिड, ठीक। अब केमिकल रिएक्शन में चेंज इन एंट्रोपी कैसे निकालेंगे, तो एंट्रोपी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्विंग सॉलिड लिक्विड इज वेरी स्मॉल, ठीक है। सी ग्रेफाइट, यानी ग्रेफाइट की एंट्रोपी जो होती है वो डायमंड से ज़्यादा होती है क्योंकि स्लिपरी लेयर्स होती हैं, इसलिए ग्रेफाइट की एंट्रोपी ज़्यादा है, ठीक। केमिकल रिएक्शंस में जब सॉलिड लिक्विड इन्वॉल्व होता है तो उसमें एंट्रोपिकली ड्रिवन रिएक्शन नहीं होती, वो एंथैल्पी ड्रिवन रिएक्शंस होती हैं, तो उनके लिए हम ज़्यादा बॉदर नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिनमें गैसेज इन्वॉल्व हैं, जब गैसेज इन्वॉल्व होती हैं हम तो डेल्टा एन जी देखते हैं। डेल्टा एन जी क्या होता है, डेल्टा एन जी की मैंने वैल्यू लिखी है यहाँ पे, क्या देखो नीचे पर लिखते हैं डेल्टा एन जी क्या है। अगर कोई रिएक्शन ए प्लस बी बी गिव सी 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 प्लस डी डी है, यानी कि ए मोल्स ऑफ ए रिएक्ट विद बी मोल्स ऑफ बी टू गिव सी मोल्स ऑफ सी एंड डी मोल्स ऑफ डी है, तो डेल्टा एन जी की वैल्यू सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी के बराबर होगी। तो अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन जीरो, यानी कि प्रोडक्ट साइड में मोल्स क्या है, ज़्यादा है। डेल्टा एन जी अगर ग्रेटर देन जीरो है तो प्रोडक्ट साइड में मोल्स क्या है, ज़्यादा है। अगर प्रोडक्ट साइड में मोल ज़्यादा है तो हम कहेंगे डेल्टा एस कैसा है, ज़्यादा है, ठीक। डेल्टा एस में मोल ज़्यादा है तो हम क्या कहेंगे कि एंट्रोपी बढ़ रही है। अगर मोल्स कम हो गए प्रोडक्ट साइड में तो हम कहेंगे एंट्रोपी घट रही है। लेकिन अगर डेल्टा एन जी जीरो हो जाए, यानी कि कोई रिएक्शन हम ऐसी लिख दें जिसमें डेल्टा एन जी जीरो, अगर एग्जाम्पल के लिए तौर पर लिखें तो हम यहाँ पर लिख दें इसका एग्जाम्पल, जैसे कि एस सी एल एग्जाम्पल लिख देते हैं, एच टू प्लस सी एल टू गिव्स ट्वाइस एस सी एल। तो ऐसे केस में एंट्रोपी का क्या हुआ होगा भाई, देखने में ऐसा लगता है कि जब डेल्टा एन जी जीरो है तो एंट्रोपी चेंज भी जीरो होना चाहिए, तो मैं लगता था या नहीं लगता था इससे पहले ये बताना, ये बात पता थी कि नहीं इसे भी कमेंट करके बताना, ठीक है। ऐसा होता नहीं, एंट्रोपी उस टाइम पे जीरो नहीं होगी, तो उस टाइम पे कैसे एंट्रोपी चेंज करेगी ये देख लेते हैं। एज द एटॉमिसिटी इंक्रीजेस रैंडमनेस इंक्रीजेस, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीज कर जाएगी, रैंडमनेस इंक्रीजेस बिकॉज डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस। डिग्री ऑफ फ्रीडम इंक्रीजेस, तो NO2 और NO में किसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम ज़्यादा होगी, NO2 की H2SX और CH4 में, C2SX और CH4 में C2SX की। अब अगर ऐसा हो जाए कि एटॉमिसिटी भी सेम हो,
अगर एटॉमिसिटी भी सेम हो तो फॉर द मॉलिक्यूल्स हैविंग सेम एटॉमिसिटी एंट्रोपी विल बी मोर फॉर दैट मॉलिक्यूल विच हैज हायर मोलर मास। तो जिसका मास ज़्यादा होगा उसके लिए क्या होगी, एंट्रोपी ज़्यादा होगी। ये तुम ऐसे समझ सकते हो कि एक साइकिल आ रही है और एक रेलवे इंजन आ रहा, कौन ज़्यादा हवा को पुश करता हुआ आएगा। एंटिटी तो एक ही है, एक साइकिल है और एक रेलवे इंजन है, कौन ज़्यादा पुश करेगा, रेलवे इंजन करेगा। जिसका मोलर मास ज़्यादा वो ज़्यादा सराउंडिंग को डिस्टर्ब करेगा। ठीक, अगला, इन एन इरिवर्सिबल प्रोसेस द एंट्रोपी ऑफ यूनिवर्स इंक्रीजेज। जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है उनमें यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा बढ़ती है, लेकिन रिवर्सिबल प्रोसेस में यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा कॉन्स्टेंट रहती है। ठीक, तो अगर इन जनरल बात लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो फॉर ऑल प्रोसेस। अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो हम लिख सकते हैं कि डेल्टा एस सिस्टम हमेशा किससे, डेल्टा एस सिस्टम प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए और इक्वल टू जीरो होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ठीक, इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। तो एंट्रोपी की बेसिक फीलिंग हमें आ गई। अब एंट्रोपी की बेसिक फीलिंग आ गई तो हम एंट्रोपी चेंज फॉर डिफरेंट सिस्टम्स देख लेते हैं। तो एंड डाल लेते हैं, एंट्रोपी चेंज, अब मैथमेटिकली एंट्रोपी को देखते हैं, फिजिकली हम समझ गए। एंट्रोपी चेंज फॉर एन आइसोलेटेड सिस्टम कैसे निकालेंगे, इसे कैलकुलेट करना सीखते हैं। हमें पता है कि ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है, हमें पता है ds इज इक्वल टू डी क्यू रिवर्सिबल बाई टी है। फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम यूज तो उसी करेंगे जो हमें पता है, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या होगा, डी क्यू रिवर्सिबल इज इक्वल टू लिख देंगे डी यू प्लस पी डी वी। भाई फर्स्ट लॉ से ये लिख सकते हैं डी यू इज इक्वल टू डी क्यू प्लस पी डब्ल्यू प्लस डी डब्ल्यू, और डी डब्ल्यू को माइनस पी डी वी लिख देंगे तो ये आ जाएगा। ठीक, तो डी एस की वैल्यू हो गई डी यू प्लस पी डी वी बाई टी। तो इसे अलग अलग लिख लेते हैं, डी यू बाई टी लिख लेते हैं प्लस पी अपॉन टी टाइम्स डी वी लिख लेते हैं। अब पी अपॉन टी होता है एन आर अपॉन वी के बराबर होता है, और डी यू की वैल्यू हम जानते हैं, डी यू की वैल्यू एन सी वी डी टी है, ये दोनों हम जानते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिख दें कि डी यू को लिख दें एन सी वी डी टी अपॉन टी प्लस इसे लिख दें एन आर डी वी अपॉन वी, और ये डी एस हो गया, इसे इंटीग्रेट कर लें एस वन से एस टू, ये इंटीग्रेट हो जाए टी वन से टी टू, और ये इंटीग्रेट हो जाए वी वन से वी टू। आसानी से समझ में आनी चाहिए, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी डेल्टा एस इज इक्वल टू एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन प्लस एन आर एल एन वी टू बाई वी वन। तो ये बात आसानी से डेराइव हो गई, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने लिख लिया इसे संभाल के। अब इन टर्म्स ऑफ, अगर हम प्रेशर लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर लिखना चाहें तो प्रेशर के टर्म में कैसे लिखेंगे, डेल्टा एस विल बी एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन, ध्यान रखना, प्लस एन आर एल एन पी वन बाय पी टू। तो इन टर्म्स ऑफ प्रेशर भी हम इसे लिख सकते हैं, आसान बात है, सिंपल से समझ में आनी चाहिए आसानी से। ठीक, अब एक एक प्रोसेस के लिए हम लोग निकालते हुए चलते हैं कि आइसोथर्मल के लिए क्या होगा, एडियाबेटिक के लिए क्या होगा, रिवर्सिबल के लिए क्या होगा, इरिवर्सिबल के लिए क्या होगा। तो पहले लिख लेते हैं फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, इन दोनों फॉर्मूलों को हम लोग बिल्कुल बढ़िया से कंठस्थ रखेंगे, याद रखेंगे, बिल्कुल भूलेंगे नहीं। ठीक है, और जिस तरह का मौसम चल रहा है वैसे तो एंट्रोपी के ही सवाल ज़्यादा आने चाहिए एडवांस में। मैंने पहले से कहा था वीडियो लंबा होगा, तो ऑलमोस्ट 2 घंटे हो चुके हैं, हमें लग रहा है लगभग 2 घंटे पे हम पहुंच गए, और अभी भी काम हमारा काफ़ी हद तक बाकी है। तो 1 घंटा तो कम से कम और मान के चलो कि 1 घंटा और लग जाएगा, है ना। पहला पॉइंट लिखते हैं,
फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए क्या होगा, टी वन इक्वल्स टू टी टू हो जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी एन आर एल एन वी टू बाय वी वन, ठीक, फॉर इरिवर्सिबल एज वेल एज रिवर्सिबल प्रोसेस, दोनों के लिए, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए, दोनों के लिए आ जाएगी, ठीक। ये लेकिन डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम होगा, यानी माइनस एन आर एल एन वी टू बाय वी वन होगा, ये होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो हो जाएगा क्यू सराउंडिंग बाई टी, क्यू सराउंडिंग बाई टी। अब क्यू सराउंडिंग के लिए हम अलग अलग कंडीशन दे रखी होंगी क्वेश्चन में, तो अलग अलग करेंगे, जब हम लोग प्रॉब्लम शीट डिस्कस करेंगे तो इसके सवाल डिस्कस कर लेंगे। तो ये फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। तो आइसोथर्मल के केस में हमने दोनों निकाल लिया, ठीक। अब बात करते हैं फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस, नंबर टू डाल लेते हैं। फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए क्या करेंगे, v1 इज इक्वल टू v2 होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो आ जाएगा एन सी वी एल एन टी टू बाई टी वन के बराबर, और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए होगा, फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। सिस्टम के लिए कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन सराउंडिंग से फर्क पड़ता है, तो डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो बराबर आ जाएगा माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम के लिए फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा कि डेल्टा एस सिस्टम सराउंडिंग की जो वैल्यू आ जाएगी वो क्यू सराउंडिंग बाई टी आ जाएगी। तो क्यू सराउंडिंग बाई टी हमेशा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम वही लिखेंगे, ठीक। फिर अब आ जाता है आइसोबैरिक प्रोसेस, नंबर थ्री, सारे ही कर लेते हैं एक बार में। नंबर थ्री आ गया आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए क्या होगा, आइसोबैरिक प्रोसेस के लिए पी वन इक्वल टू पी टू हो जाएगा, तो डेल्टा एस सिस्टम किसके बराबर हो जाएगा, एन सी पी एल एन टी टू बाई टी वन के बराबर हो जाएगा, और ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल दोनों के लिए होगा। बात अब तो समझ में आसानी से आ रही होगी, और डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो माइनस ऑफ डेल्टा एस सिस्टम होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक। और फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, डेल्टा एस सराउंडिंग की वैल्यू क्यू सराउंडिंग बाई टी होगी। तो ये बात आसानी से समझ में आनी चाहिए, क्यू सराउंडिंग बाई टी हो जाएगा, तो ये इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो जाएगा। नंबर फोर आ गया हमारा एडियाबेटिक प्रोसेस, क्या आ गया, एडियाबेटिक प्रोसेस। अब एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए क्या हो जाएगा, क्यू इक्वल्स टू जीरो होगा, तो डेल्टा एस सिस्टम जो होगा वो हमेशा क्या आ जाएगा, जीरो फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस। ध्यान रखना इसमें कहानी बदलेगी, ठीक। तो इसे कहते हैं आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, क्या कहते हैं, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस, आइसो एंट्रोपिक प्रोसेस कहते हैं। डेल्टा एस सराउंडिंग जो होगा वो
Nc(Vln)T2/T1 प्लस Nr(Ln)V2/V1 के बराबर होगा फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस, फॉर सराउंडिंग सिस्टम ही लिखो इसे, फॉर डेल्टा सिस्टम जो होगा वो इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए बदल जाएगा, डेल्टा सराउंडिंग जो होगा वो इक्वल्स टू जीरो होगा फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस, और डेल्टा एस जो सराउंडिंग होगा इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो क्यू सराउंडिंग बाय टी होगा। तो इसमें जो एक बदलाव आया वो क्या आया, बदलाव आया जो हमें डेल्टा एस सिस्टम और सराउंडिंग इस बार सेम नहीं थे, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए वो अलग अलग आ रहे थे, सिस्टम जीरो आ रहा था और सराउंडिंग की वैल्यू पूरे फॉर्मूले के उससे निकालनी पड़ेगी, तो ये फॉर इरिवर्सिबल प्रोसेस आ गया। इतनी बात क्लियर हो गई सबको, इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं आनी चाहिए। तो ये फॉर्मूले सब क्लियर हो गए, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ के बात करते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन की। तो यहीं डाल लेते हैं एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन। एंट्रोपी चेंज फॉर अ रिएक्शन क्या कर रहा है, डेल्टा एस रिएक्शन जो होगा वो होगा समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एस ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, अब जो टेम्परेचर के साथ और प्रेशर के साथ वेरिएशन आएगा डेल्टा एस रिएक्शन पे वो लिख लेते हैं, वेरिएशन ऑफ डेल्टा एस रिएक्शन विद टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो डेल्टा एस टी टू माइनस डेल्टा एस टी वन विल बी इक्वल्स टू डेल्टा सी पी ऑफ रिएक्शन ln T2/T1 और डेल्टा एस एट पी टू माइनस डेल्टा एस एट पी वन विल बी डेल्टा ng ऑफ रिएक्शन ln P1/P2। तो ये फॉर्मूलाज हैं, इन्हें हम लोग बिल्कुल बढ़िया से ध्यान रखेंगे, इनका यूज़ करना कैसे है वो हम लोग न्यूमेरिकल वाली क्लास में देखेंगे, और न्यूमेरिकल वाली क्लास हमें लगता है थ्योरी से हमेशा ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, तो उसे देखना ज़रूरी है। किरचॉफ्स इक्वेशन भी लिख लेते हैं यहाँ पे, अब चैप्टर ख़त्म होने वाला है। किरचॉफ्स इक्वेशन क्या होती है, डेल्टा एच एट टी टू माइनस डेल्टा एच एट टी वन इज इक्वल टू डेल्टा सी पी ऑफ रिएक्शन T2-T1 के बराबर होती है। ये किरचॉफ्स इक्वेशन है, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। तो फॉर्मूले थोड़े थोड़े हैं, इन्हें तो याद ही रखना पड़ेगा। ठीक, अब बात करते हैं थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखते नहीं, उसे जरूरत ज़्यादा नहीं, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डाल लेते हैं फटाफट और कर लेते हैं। थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है कि एब्सोल्यूट जीरो पे सारे सब्सटेंस कैसे होते हैं, प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं। एब्सोल्यूट जीरो पे सारे सब्सटेंस कैसे होते हैं, प्योर क्रिस्टलाइन होते हैं नेचर में, तो उसे हम थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो डेल्टा टी एस एट टी माइनस एस एट जीरो केल्विन इज इक्वल टू इंटीग्रल जीरो से टी डी क्यू रिवर्सिबल बाय टी। तो जीरो केल्विन पे क्या परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट करते हैं, तो लिख देते हैं परफेक्ट क्रिस्टल्स एग्जिस्ट एट जीरो केल्विन। ठीक, तो इतनी बात क्लियर हो गई, तो थर्ड लॉ तक बात खत्म हो गई। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं गिब्स फ्री एनर्जी की। अब गिब्स फ्री एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से लास्ट पॉइंट, और इसके बाद हम एंथैल्पी और डिस्कस करेंगे, जिससे हम थर्मोकेमिस्ट्री पे आसानी से पहुंच जाएं। तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी इज अ थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल दैट मेजर्स द यूजफुल वर्क ऑब्टेनेबल फ्रॉम अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर।
किसी भी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे जो यूजफुल वर्क है उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। ठीक, गिब्स फ्री एनर्जी कैसा है, फ्री एनर्जी में फ्री क्या है ये भी बात करनी है हमें एक तो, और गिब्स फ्री एनर्जी क्या है, द सिस्टम जो गिब्स फ्री एनर्जी है कैपेसिटी ऑफ अ सिस्टम टू डू नॉन मैकेनिकल वर्क, मतलब नॉन पीवी वर्क करने की जो ताकत है किसी सिस्टम की उसे हम गिब्स फ्री एनर्जी कहते हैं। फ्री क्या है इसमें, गिब्स फ्री एनर्जी में कभी सोचा कि फ्री क्या है, फ्री देखो क्या है, द टर्म फ्री वॉज अटैच टू गिब्स एनर्जी फॉर अ सिस्टम एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू मीन द नेट अवेलेबल यूजफुल वर्क, जो यूजफुल वर्क है सारा मैकेनिकल वर्क करने के बाद भी जो बच गया उसे हम क्या कर रहे हैं, गिब्स फ्री एनर्जी कर रहे हैं। मैथमेटिकली हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी को जी लिखते हैं, जी इज इक्वल टू होता है एच माइनस टी एस, तो जी इक्वल टू एच को लिख दिया यू प्लस पी वी, ये एंथैल्पी है, ये एंथैल्पी है, ऐसे यू प्लस पी वी लिख दिया तो जी इज इक्वल टू यू प्लस पी वी माइनस टी डी एस हो गया, तो डी जी इज इक्वल टू हो गया क्या, डी यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी माइनस एच डी टी माइनस डी एस टी डी एस, तो डी यू प्लस पी डी वी हो गया डी क्यू, ये हो गया प्लस वी टी पी माइनस एच डी टी और ये माइनस डी क्यू हो गया, देखो ध्यान से भाई, क्योंकि टी डी एस को माइनस डी क्यू लिख सकते हो तो इससे ये कैंसिल हो गया, तो डी जी की जो वैल्यू आ गई वो आ गई वी डी पी माइनस एच डी टी। अब एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी टी हो जाएगा जीरो, तो डी जी इक्वल टू वी डी पी हो गया, तो डेल जी ओवर डेल पी एट कॉन्स्टेंट टी हो जाएगा वी के बराबर। ठीक, फॉर आइडियल गैस डेल्टा टी जीरो होगा, पी वी क्वेश्चन आर टी होगा। ठीक, तो हमने डी जी को लिख दिया क्या एनआरटी, इसे अगर हम थोड़ा साफ लिख दें तो इसे लिख दें, पी को अंदर ले जाए तो एनआरटी बाहर लिख दें, तो ये एनआरटी क्या हो जाएगा, यहाँ से पी वन से पी टू तक इंटीग्रेट कर दें, इसे डी जी वन से जी टू तक कर दें, तो ये आ जाएगा क्या एनआरटी एल एन पी टू बाय पी वन। फॉर सॉलिड एंड लिक्विड्स एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर डी टी जीरो, वॉल्यूम इज ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट, तो डेल्टा जी की वैल्यू हो जाती वी इंटू पी टू माइनस पी वन, और कॉन्स्टेंट प्रेशर पे डी पी इज इक्वल टू जीरो, तो डी जी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी, तो डेल जी ओवर डेल टी एट कॉन्स्टेंट पी इज इक्वल टू माइनस एस, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में यूज होता है फॉर्मूला, इसे हम लोग ध्यान रखेंगे। डेल्टा जी में केवल फॉर्मूला फॉर्मूला है जिन्हें हम ध्यान रखेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट तो यही वाला है जो अब आ रहा है, डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, डेल्टा जी अगर लेस देन जीरो है तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इक्वल टू जीरो है तो इक्विलिब्रियम है, और डेल्टा जी ग्रेटर देन जीरो है तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे। ठीक, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन, डेल्टा एच लेस देन जीरो यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, और डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू, इसी से नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव होती है और बाकी सारी इक्वेशन ड्राइव हो जाती है इसे, तो डेल्टा जी इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम, तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम के बराबर आ जाएगी। डेल्टा जी नॉट को लिख सकते हैं डेल्टा एच नॉट माइनस टी डेल्टा एस नॉट इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस आर टी एल एन के इक्विलिब्रियम, तो के इक्विलिब्रियम की एल एन के इक्विलिब्रियम की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस डेल्टा एच अपॉन आर टी प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर। तो इसके हिसाब से हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं जो पेपर में कई बार बना हुआ आता है, अगर हम एल एन के वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ बना दें, एल एन के वर्सेज वन बाई टी का ग्राफ बनाएं, तो अगर हम डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं और डेल्टा एस ग्रेटर देन जीरो ले रहे हैं तो ये निगेटिव स्लोप की एक लाइन आएगी। ठीक आएगी, अगर हम ऐसा ले लें फॉर डेल्टा एस लेस देन जीरो, ठीक डेल्टा एस लेस देन जीरो ले लें और डेल्टा एच लेस देन जीरो ले लें तो ये क्या होगा, पॉजिटिव स्लोप की लाइन आएगी, निगेटिव इंटरसेप्ट के साथ आएगी, तो ये लाइन कुछ ऐसे ही आ जाएगी। तो इसके अलग अलग चार ग्राफ बना लोगे भाई, मैं मान लेता हूँ ये बन जाएंगे ग्राफ चारों। ठीक है, ये डेल्टा टी टी वन बाई टी अलग लिख लो, चाहे दिक्कत तो लग रही हो ऐसे तो, ये वन बाई टी के वर्सेस ग्राफ बनाया था हमने। ठीक है, तो ये ग्राफ भी आसानी से बन जाएगा। अब बात करते हैं एंथैल्पी की। एंथैल्पी क्या है, एंथैल्पी इज द मेजर ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ अ थर्मोडायनेमिक सिस्टम, इट इंक्लूड्स द इंटरनल एनर्जी विच इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रिएट अ सिस्टम एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू मेक स्पेस फॉर इट बाय डिस्प्लेसिंग इट्स एनवायरनमेंट एंड एस्टैब्लिशिंग प्रेशर वॉल्यूम। ठीक, क्या कह रहा है कि जो एंथैल्पी है बेसिकली वो एनर्जी है जो इंटरनल एनर्जी और प्रेशर वॉल्यूम वाली एनर्जी को भी इंक्लूड करके जो बनाया, मतलब इंटरनल एनर्जी से क्या बनेगा, सिस्टम क्रिएट होगा
और उसे डिस्प्लेस करके अपने एनवायरनमेंट को एस्टेब्लिश करने के लिए हमें प्रेशर वॉल्यूम से एडजस्ट करना पड़ेगा। तो उस दोनों एनर्जी को मिला के हम कहेंगे क्या, इंथैल्पी तो एच इज इक्वल टू यू प्लस पी वी हो गया, स्टेट फंक्शन है डी एच इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी हो गया, डेल्टा एच ग्रेटर देन जीरो है तो एंडोथर्मिक रिएक्शन है, लेस देन जीरो है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक, केमिकल रिएक्शंस आर कैरिड आउट जनरली एट कॉन्स्टेंट प्रेशर कंडीशन, सो इट हैज बीन यूजफुल टू डिफाइन एंथैल्पी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो एंथैल्पी कौन सी, एंथैल्पी इज एनर्जी एट कॉन्स्टेंट प्रेशर। तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डी वी प्लस वी डी पी हो गया, और डी पी क्या था, डेल्टा पी कैसा था, जीरो, तो डेल्टा एच इज इक्वल टू डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा वी आ गया। इस बात को हम लोग ध्यान रखेंगे, ये फॉर्मूला जरूरी है। और ये फिर से हमने क्या लिख दिया, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख दी, ये क्या लिख दी, एग्जैक्ट डिफरेंशियल लिख दी। डेल्टा पी फॉर आइसोबारिक प्रोसेस क्या होगा, जीरो होगा, तो डेल एच इज इक्वल टू डेल एच बाई टी और डी टी होगा, डेल एच बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी हम लिखते हैं सी पी को, तो डी एच इज इक्वल टू एन सी पी एम डी टी के बराबर हो जाएगा एट कॉन्स्टेंट टी, डी टी जीरो हो जाएगा और डेल एच बाई डेल टी एट कॉन्स्टेंट टी भी जीरो होगा, तो डेल्टा एच भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो डेल्टा एच का फॉर्मूला आ गया क्या, एन सी पी टी टू माइनस टी वन, और डेल यू का फॉर्मूला क्या आ गया भाई, हमें दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, एन सी वी टी टू माइनस टी वन। अब डेल्टा एच इज इक्वल टू पी डेल्टा वी है, पी डेल्टा वी को डेल्टा एन जी आर टी भी लिख सकते हैं, तो इस बात को हम ध्यान रखेंगे। इंथैल्पी चेंज फॉर केमिकल रिएक्शन कैसे निकालेंगे, कि सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट कर देंगे तो हमें इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मिल जाएगी। और इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को एफेक्ट कौन कौन करता है, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, एलोट्रोपिक फॉर्म और रिएक्शन कंडीशन जैसे प्रेशर और वॉल्यूम। अब हम लोग एक एक करके अलग अलग इंथैल्पी देखना शुरू करेंगे और देखेंगे कि कैसे कैसे इंथैल्पी से हम लोग क्वेश्चन करते हैं, यानी हम लोग अब थर्मोकेमिस्ट्री पे स्विच कर रहे हैं। लगभग 40 मिनट या 50 मिनट का वीडियो और होगा, इसे पूरा तसल्ली से देख लेना तो पूरा चैप्टर ही कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आगे बात करते हैं किसकी, थर्मोकेमिस्ट्री की। थर्मोकेमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होती है स्टैंडर्ड कंडीशंस। स्टैंडर्ड कंडीशंस कौन सी है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन से समझेंगे कि स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या होती है। एज एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन द कंडीशन अंडर विच द रिएक्शन इज कैरिड आउट, इट इज नेसेसरी टू स्पेसिफाई सम स्टैंडर्ड कंडीशन। अब हमें कुछ स्टैंडर्ड कंडीशन क्या होती हैं डिफाइन करनी पड़ती हैं, जिससे हम ये पता लगा पाएं कि रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशन में है या नहीं है। ठीक है, तो स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है, स्टैंडर्ड कंडीशन जैसे सॉलिड लिक्विड और गैस के लिए प्रेशर कैसा लेंगे हम, 1 bar लेंगे। सब्सटेंस जिस सॉल्यूशन में डिजॉल्व होगा कंसंट्रेशन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए, 1 molar यानी कि 1 m होना चाहिए। स्टैंडर्ड कंडीशन इन थर्मोडायनेमिक्स डज नॉट स्पेसिफाई एनी टेम्परेचर, टेम्परेचर को स्पेसिफाई नहीं करती है स्टैंडर्ड कंडीशन थर्मोडायनेमिक्स में। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जरूर स्टैंडर्ड टेम्परेचर को हम 298 केल्विन ले लेते हैं। ठीक, अब बात सिंपल सिंपल रह गई, हम लोगों ने पूरी थर्मोडायनेमिक्स कर ली है तो हमें एंथैल्पी एंट्रोपी गिब्स फ्री एनर्जी और इंटरनल एनर्जी के बारे में बढ़िया से जानकारी है, तो हम केवल क्या करेंगे, फटाफट डेफिनेशंस पढ़ेंगे और चैप्टर को क्लोज करेंगे। ठीक है, डेफिनेशन क्या कह रही है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है, इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole ऑफ सब्सटेंस इज फॉर्म फ्रॉम इट्स एलिमेंट इन देयर मोस्ट अबंडेंट नेचुरली अकरिंग फॉर्म। मतलब जिस फॉर्म में एलिमेंट सबसे ज्यादा अकर कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, उससे अगर कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसे हम क्या कहेंगे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहेंगे स्टैंडर्ड कंडीशन, तो उसे हम कहेंगे स्टैंडर्ड मतलब एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और जो मोस्ट अबंडेंट फॉर्म है उसमें जो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है उस पर्टिकुलर रिएजेंट की वो कैसी होती है, जीरो होती है, और उसे हम कहते हैं रेफरेंस स्टेट। उसे क्या कहते हैं हम, रेफरेंस स्टेट कहते हैं। ठीक है, तो जैसे H2 प्लस O2 हाफ O2 लिखा तो हमें 1 mole वाटर ही बनाना है, ध्यान रखना 1 mole वाटर बनाना, और इसमें जो डेल्टा HF निकल रहा है, HF है जो माइनस में यानी एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इस वैल्यू को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं कहीं से कहीं तक, बिल्कुल याद मत रखना नहीं परेशान होगे फिर मेरे से कहोगे याद कर ली मैंने। बाई कन्वेंशन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स रेफरेंस स्टेट टेकन एज जीरो, जो मैं पहले बता रहा था कि ये इंपॉर्टेंट बात है कि बाई कन्वेंशन हम क्या ले लेते हैं कि रेफरेंस स्टेट में एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को क्या मान लिया जाता है, जीरो मान लिया था। जैसे कार्बन की रेफरेंस स्टेट क्या है, ग्रेफाइट, सल्फर की रोम्बिक सल्फर है, ध्यान रखना भाई सल्फर की रोम्बिक सल्फर है, एकदम ध्यान रखना बढ़िया से, है ना। फॉस्फोरस की वाइट फॉस्फोरस है,
ऑक्सीजन की O2 है, हाइड्रोजन की H2 है, Br2 की Br2 लिक्विड है, मेटल्स में एक्सेप्ट मरकरी सबकी कैसी है सॉलिड, Cl2 की कैसी है गैस, I2 की कैसी है सॉलिड। तो रेफरेंस स्टेट बिल्कुल जिसमें मोस्ट स्टेबल नेचुरली अकरिंग फॉर्म है उसे हम रेफरेंस स्टेट करें, और रेफरेंस स्टेट में किसी भी एलिमेंट की जो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है वो बाई कन्वेंशन कितनी ली जाती है, वो जीरो ली जाती है। तो इसमें कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, मेरी बात समझ में आनी चाहिए, है ना। ठीक, अब जैसे एक क्वेश्चन लगा लेते हैं, ठीक, तो क्वेश्चन कैसे करेंगे इस बात को समझते हैं। हाउ मच हीट विल बी रिक्वायर्ड एट कॉन्स्टेंट प्रेशर टू फॉर्म 1.28 kg ऑफ CaC2 फ्रॉम CaO एंड CA, और हमें गिवन चीजें दे रखी हैं काफी। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है 1.28 kg ऑफ CaC2 फ्रॉम CaO एंड CS। तो हमें जो इक्वेशंस दी हैं, हमें बनाना क्या है पहले से देख लेते हैं, सवाल लगा के दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना भाई। हमें CaO सॉलिड और कार्बन से हमें बनाना है CaC2 बनाना है और प्लस CO गैस बनानी है। ये इक्वेशन डिजायर्ड है, ये कौन सी है, डिजायर्ड है। अब जो हमें ऊपर डेटा दे रखा है, मैं डेल्टा एच एफ इसके लिए, डेल्टा एच इसके लिए बताना है इस रिएक्शन के लिए, और हमें ऊपर जो डेटा दे रखा है उससे हम तीन इक्वेशंस और लिख सकते हैं। तो लिखते हैं इक्वेशंस। पहली इक्वेशन क्या है कि सी ए, डेल्टा एच एफ नॉट दे रखा है, सी ए सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस विल गिव यू सी ए ओ सॉलिड। इसके लिए डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू जो दे रखी है वो दे रखी है कितनी, -152। भाई ध्यान से देखना, मैं सवाल लगा के भी यहीं पे दिखा रहा हूँ, और सवाल अभी हम लोग उसके PYQs और वो एडवांस शीट भी डिस्कस ही करेंगे, तो फिर देख लेंगे वहाँ पे भी। CaC2 कैसे बनेगा, CA सॉलिड प्लस ट्वाइस सी सॉलिड विल गिव यू CaC2 सॉलिड। यहाँ पे सॉलिड लिख लेते हैं। इसके लिए डेल्टा एच एफ नॉट की वैल्यू दे रखी है -14 किलो जूल पर मोल, और हमें दे रखी है सी गैस, सी सॉलिड प्लस हाफ ओ टू गैस गिव्स यू सी ओ गैस। इसकी वैल्यू डेल्टा एच एफ नॉट की हमें दे रखी है -26 किलो जूल पर मोल। ठीक, अब देखो हमारे पास चार इक्वेशंस हैं, हमारे पास कितनी, चार इक्वेशंस हैं, ABC लिख लेते हैं इनसे, और इनसे हमें फाइनल इक्वेशन बनानी है। तो क्या करें, किस तरह से बनाएं, तो देखो हमें सी इधर चाहिए, दोनों सी इधर चाहिए, तो सेकंड और थर्ड को तो ऐड कर दें, मतलब बी और सी को ऐड कर दें, बी को ऐड कर दिया सी में, तो तीन कार्बन हो गए। सी ए ओ हमें राइट में चाहिए तो -1 कर दें, तो हमारा ऊपर वाली इक्वेशन बन जाएगी। इससे ध्यान से देखना, ये वाली कौन सी बन जाएगी, ये वाली इक्वेशन हमारी बन जाएगी अगर हम ये इक्वेशन को यूज कर लें। -1 का मतलब ए ले लेते हैं, 1 का मतलब क्या है ए। तो डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन आ जाएगा जो वो आ जाएगा -26 -14 -152, यानी कि प्लस का 112 किलो जूल पर मोल आ गया। ठीक, क्या आ गया, प्लस का 112 किलो जूल पर मोल आ गया। अब क्या कर रहा है, क्वेश्चन में पूछ रहा है डेल्टा एच एफ, हम डेल्टा एच निकालना है 1.12 केजी के लिए, तो मोल्स ऑफ कितने आ गए, मोल्स ऑफ CaC2 कितने आ गए, 1.28 × 10⁻³ डिवाइडेड बाय मोलर मास। CaC2 का मोलर मास हो गया 40 + 24 यानी 64, तो डेसिमल हटा के यहाँ पे एक बची पावर और ये 2 आ गया, तो ये 20 मोल्स बन गए। 20 मोल्स बने तो डेल्टा एच फॉर द प्रोसेस कितनी आ जाएगी, सिंपल क्वेश्चन होता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 112 किलो जूल का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 2240 किलो जूल एनर्जी आ जाएगी। ठीक, तो इस प्रोसेस में कितना डेल्टा एच आया, 2240 आया। ये सवाल आसानी से लग जाना चाहिए, सब लोग अगर तसल्ली से देखोगे, पेन कॉपी लेके बैठोगे तो सवाल लगेगा ही लगेगा भाई। और अब तो एडवांस के दिन आ गए, ये वीडियो जब तक तुम्हारे पास आ रहा होगा होपफुली रिजल्ट आ चुका होगा एडवांस का, नहीं मेंस का, और तुम लोग सारे लोग पास हो गए होगे। एक वीडियो मैं और लाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि अब मेंस में जिनका हो गया उन्हें क्या करना है, और एडवांस में, एडवांस के लिए कैसे फोकस करना है, एडवांस में क्या स्ट्रेटजी
अपनानी है उसके लिए बात करेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं एंथैल्पी ऑफ कंबशन की। एंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस अंडरगो कंप्लीट कंबशन टू गिव कंबशन प्रोडक्ट। तो ऐसे सीएच हाइड्रोकार्बन्स का कंबशन प्रोडक्ट क्या होता है? CO2 और वाटर। तो कार्बन का क्या हो गया? CO2। हाइड्रोजन का हो गया वाटर, लिक्विड या वेपर, डिपेंड्स अपॉन टेम्परेचर। सल्फर का हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक। तो इसका भी एक सवाल देख लेते हैं हम लोग आसानी से। सवाल देखो भाई क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है हमसे, फॉर द गिवन रिएक्शन, हमें तीन रिएक्शन गिवन है, ठीक है, हमें तीन रिएक्शन गिवन है, कैलकुलेट द हीट ऑफ कम्बशन ऑफ CO निकालनी है। तो CO कैसे निकालें? हमें CO निकालनी, तो रिएक्शन लिख लेते हैं, C+ ½O2 गैस विल गिव यू, इसे सॉलिड लिख लेते हैं, CO गैस, ठीक। हमें कम्बशन ऑफ CO गैस निकालनी, सॉरी हमें CO गैस को कम्बश करना, तो ये तो फॉर्मेशन वाली लिख दी, हमें निकालनी है CO गैस प्लस हाफ ओ टू गिव्स CO2। हमें इसके लिए डेल्टा एच फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे? अब ऊपर वाली दोनों इक्वेशन 1 और 2 को देखो जरा ध्यान से। तो हमें CO चाहिए लेफ्ट में और CO2 चाहिए राइट में, और CO2 जो हमें मिल रही है वो क्या करें, अगर हम इसे लेफ्ट में कर दें तो इक्वेशन क्या होना है देखो जरा। तो हम 1 को माइनस कर दें 2 से, 1 को माइनस 2 करेंगे तो 2 CO आ जाएगा, उधर 2 CO2 आ जाएगा और 2 O2 आ जाएगा, सी से सी तो कैंसिल हो जाना। तो इसे डिवाइड बाई 2 कर दें, चलेगा काम? बोलो भाई, लिख के देखो भाई, रिएक्शन लिख के देखो, लीनियर इक्वेशन की तरह लिख के देखोगे तो बन जाएगा ये। हमने अगर सेकंड वाली इक्वेशन को रिवर्स किया तो 2 CO बचा, सी से सी कैंसिल हो गया, इधर राइट में आके 2 CO2 हो गया और O2 हो गया, हाफ से डिवाइड कर दिया तो ये इक्वेशन बन गई। तो डेल्टा एच कैसे आ जाएगा अपना? 1 की वैल्यू कितनी थी? 1 थी -97 माइनस ऑफ 39 डिवाइडेड बाई 2। तो इससे आ गया कितना? माइनस का 136 बाय 2, यानी कि -68 किलो कैलोरीज आ गई एनर्जी। सिंपल सवाल था, आसानी से लग गया, कोई दिक्कत किसी को आनी नहीं चाहिए इसमें। बात समझ में आ रही है? क्लियर कट। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एंथैल्पी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। देखो इनके सवालों में दिक्कत नहीं आती, डेफिनेशन अगर तुम्हें थोड़ी बहुत पता है तो काम चल जाएगा बहुत बढ़िया से। एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या करें? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन क्या? इट इज द एंथैल्पी चेंज टू मेल्ट वन मोल ऑफ सॉलिड सब्सटेंस एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कॉन्स्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर को मेल्ट करने के लिए जितनी हीट निकल रही है उसे हम क्या कहेंगे? हीट देनी पड़ रही है उसे हम क्या कहेंगे? एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। जैसे वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बनाना, तो हीट ऑफ फ्यूजन जो आ गई वो 6.01 किलो जूल पर मोल आ गई। ऐसे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन क्या होगी? 1 मोल लिक्विड को 1 मोल वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लग रही है एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन। जैसे वाटर को 40.79 किलो जूल पर मोल लग रही है वाटर लिक्विड से वाटर गैस जाने में। अब एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन मतलब कार्बन मतलब सॉलिड से सीधे गैस यार, ये तो सिंपल बात है, इसमें तो ज़्यादा रुकने की जरूरत है नहीं। मैं थोड़ा सा तेज जा रहा हूँ, जाना बनता भी है क्योंकि समय धीरे धीरे कम होता जा रहा है, ठीक। अब एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन मतलब कि एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन कह रहा है कि वन एलोट्रोपिक फॉर्म को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में जाने में कितनी एनर्जी लगेगी उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन। तो सी ग्रेफाइट से सी डायमंड बनने में देखो लग रही 1.9 किलो जूल पर मोल। तो एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि देखो सी ग्रेफाइट से डायमंड बनने में लग रही 1.9 किलो जूल पर मोल और वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड होने में लग रही 6.01। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वाटर सॉलिड से वाटर लिक्विड बनना ज्यादा आसान काम है विद रिस्पेक्ट टू ग्रेफाइट से डायमंड बनना। तो मतलब अगर हम ग्रेफाइट से डायमंड बनाने की कोशिश करें तो दैट विल बी फार मोर इजियर एज कम्पेयर टू वाटर सॉलिड टू वाटर लिक्विड, यानी आइस का वाटर बनना। तो हम कहेंगे कि डायमंड से ग्रेफाइट बनना इनर्जेटिकली फेवरेबल है। इसके बारे में तुम्हारा क्या ओपिनियन है अभी कमेंट करके बताओ, मैं एक सेकंड में आंसर दे रहा हूं कि ये क्या इंडिकेट कर रहा है। कमेंट करके बताओ जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं, एक सेकंड का वेट करूंगा, दो सेकंड का बस फिर बोलूंगा दो सेकंड बाद। चलो भाई बताता हूं क्या हो रहा। ये रिएक्शन ये बता रही है कि ग्रेफाइट से डायमंड का बनना इनर्जेटिकली फेवरेबल है, लेकिन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट प्रेशर जो है वो कितना है। मान लेते हैं कि टेम्परेचर लग गया कुछ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड या 5000 डिग्री सेंटीग्रेड और प्रेशर लगा वो 500 ATM के बराबर लग गया, तो कॉन्स्टेंट है। मैंने ये नहीं कहा कॉन्स्टेंट का मतलब रूम टेम्परेचर है,
बहुत ज़्यादा लगा। और थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक्स में डिफरेंस यही होता है कि थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता देती है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, स्पॉन्टेनिटी तो बताती है लेकिन ये नहीं बताती किस रेट से होगी। ग्रेफाइट से डायमंड बनना में एनर्जी कम लगेगी लेकिन इट विल टेक 5000 ईयर्स टू कन्वर्ट ग्रेफाइट इनटू डायमंड। वाटर के साथ ऐसा नहीं है, ठीक। तो थर्मोडायनेमिकली हम सारे लोग IIT एडवांस में सेलेक्ट हो सकते हैं लेकिन काइनेटिकली ये पॉसिबल नहीं है। थर्मोडायनेमिकली तो क्या है कि हम लोग पाइप कोई 2 साल में सेलेक्ट हो जाएगा, कोई 20 साल में सेलेक्ट होगा, तो कोई ना कोई हो तो जाएंगे कभी ना कभी सेलेक्ट, लेकिन काइनेटिकली ये फिजिबल नहीं है कि हमें 2 ही साल में सेलेक्ट होना होता है, इसलिए दिक्कत है। अगर 20 साल का समय IIT दे तो आराम सेलेक्ट होंगे। अब बात करते हैं बॉन्ड एंथैल्पी की, ठीक है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी डायटॉमिक मॉलिक्यूल की क्या है कि एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 मोल ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड इनटू इट्स गैसियस कोवेलेंट सब्सटेंसेस इज ब्रोकन टू फॉर्म प्रोडक्ट इन द गैस फेज अंडर द कंडीशंस ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। मतलब क्या रहा है कि अगर कोई कोवेलेंट बॉन्ड को हम ब्रेक करके किसी भी डायवेलेंट कंपाउंड को, डायटॉमिक मॉलिक्यूल को, अगर हम क्या करें तोड़ दें और उसे उसके गैसेज एटम में ले जाएं, तो उसे हम कहेंगे एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी कहेंगे। तो Cl2 क्या बन गया? ट्वाइस Cl, O2 बन गया ट्वाइस O, ठीक। अब हम लोग कन्फ्यूज कहाँ पे होते हैं? पॉलीएटॉमिक के केस में होते हैं कन्फ्यूज। पॉलीएटॉमिक के केस में क्या होता है? इन केस ऑफ पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट बॉन्ड विद इन द सेम मॉलिक्यूल। मतलब हम क्या कह रहे हैं, कई लोग इस बारे में बात नहीं करते हैं। जैसे अगर हम वाटर ले लें तो वाटर में जो पहला OH तोड़ेंगे वो अलग तरीके से टूटेगा, तो इसमें मान लेते हैं एक्स एनर्जी निकली, लेकिन अगर हम इससे दोबारा से ओ डाई रेडिकल बनाए और एच रेडिकल बनाए तो इसमें वाई एनर्जी निकलेगी, दे आर नॉट सेम। तो डिफरेंट बॉन्ड्स के लिए डिफरेंट एनर्जी होगी सेम मॉलिक्यूल के, ठीक, एक जैसे बॉन्ड में, लेकिन एक टूटने के बाद एनर्जी बदल जाएगी। तो ऐसे केसेस में क्या होता है, बॉन्ड एंथैल्पी की जगह मीन बॉन्ड एंथैल्पी यूज करते हैं, जिसे हम एवरेज एंथैल्पी चेंज कहते हैं, पूरे बॉन्ड को तोड़ने में जो खर्च हुई उसे। अब क्योंकि ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, तो इसके लिए डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन जो लिखते हैं वो बॉन्ड एंथैल्पीज ऑफ रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, ये बात ध्यान रखना। क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं लिखते, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट लिखते हैं, ठीक। आगे बात करते हैं, एक सवाल है, ये मैं छोड़ दे रहा हूं, इसका आंसर मैं लिख दे रहा हूं सीधा, तुम आंसर इसका नोट कर लो और मेरे को फाइनली बताना कि आंसर आया कितना, ठीक, ये आंसर भी रहने दो। तो फाइनल आंसर जो आएगा, एन डबल एन की जो एनर्जी आ जाएगी वो आ जाएगी 400 kJ/mol है, मेरे को आंसर याद है, ठीक। इसे सॉल्व करके रखना, देखना आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा, सिंपल सवाल है। लेकिन ध्यान रखना क्या कि रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट नहीं, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट नहीं, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर सही आएगा। अब इसके बाद जो एनर्जीज आ रही है वो तो और भी सिंपल है भाई, मैंने इसलिए छोड़ दिया सवाल कि तुम लगाओगे, है ना। ऐसे बहुत सारे सवाल हम लोग PYQs में भी कर रहे होंगे और एडवांस शीट में भी कर रहे होंगे, ये तुम्हारे लिए था अभी अटेम्प्ट करने के लिए। आयनाइजेशन एंथैल्पी पॉज कर लेना वीडियो और फिर करना साथ साथ, है ना, आंसर आ जाए तभी बात ठीक है। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? आयनाइजेशन एंथैल्पी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन आइसोलेटेड 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तो हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ी थी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी हमने पीरियोडिक प्रॉपर्टी में पढ़ रखी है। इट इज द एनर्जी चेंज व्हेन एन इलेक्ट्रॉन इज एडेड टू ए न्यूट्रल आइसोलेटेड गैसियस एटम अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक। इसके बाद लैटिस एनर्जी की बात आती है, जो हम लोगों ने केमिकल बॉन्डिंग में देख रखी है, पहले से ही पता है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज विच अकर्स व्हेन 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड इज डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयंस इन गैसेस स्टेट अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। कह रहा है लैटिस एनर्जी वो एनर्जी है जो 1 मोल लैटिस को ब्रेक करने में लगी या फिर 1 मोल लैटिस फॉर्म होने में जो एनर्जी रिलीज हुई उसे हम लैटिस एनर्जी कहते हैं। एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होती है कि किसी भी मॉलिक्यूल को ब्रेक करके उसके कंप्लीटली एटम्स में कन्वर्ट करने को जो एनर्जी लगती है उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। तो इंग्लिश में भी लिखा हुआ पढ़ सकते हैं, व्हेन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कंप्लीटली डिसोसिएटेड इनटू एटम्स इन द गैसेस स्टेट अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो इसे हम एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन कहेंगे। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन क्या होती है? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ एनहाइड्रस कंपाउंड, इसमें ध्यान रखना एनहाइड्रस कंपाउंड को स्पेसिफिक हाइड्रेट में कन्वर्ट करने के लिए जो एनर्जी चाहिए उसे हम कहते हैं क्या? उसे हम कहते हैं एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, उसे हम क्या कहते हैं? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। और ये एक्सोथर्मिक काम होगा, क्यों? क्योंकि इसमें नए बॉन्ड फॉर्म हो रहे होंगे तो ये एक्सोथर्मिक काम है, ठीक।
इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या है? इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज द इनथैल्पी चेंज व्हेन वन मोल ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएट इनटू स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट अंडर द कंडीशन ऑफ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर. ठीक, व्हेन लार्ज वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज टेकन द इनथैल्पी चेंज इज कॉल्ड इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. अभी हमने जब स्पेसिफिक अमाउंट में डाला था तो उसे इनथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहा था, लेकिन अगर हम उसे लार्ज अमाउंट में डाल दें तो उसे इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कहेंगे. तो इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन एंडोथर्मिक होती है, ध्यान रखना इस बात का, और वो एक्सोथर्मिक थी. इनथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, 1 ग्राम इक्विवेलेंट एसिड और 1 ग्राम इक्विवेलेंट बेस को रिएक्ट करा के जो एनर्जी रिलीज हो रही है उसे हम कहेंगे इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन. इनथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन कभी भी स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की कांस्टेंट होती है. जैसे मैंने लिख रखा है कि HCl और NaOH को मिलाया तो ये हमेशा कांस्टेंट नंबर आएगा, 57.7 किलो जूल पर इक्विवेलेंट. मोल्स नहीं है, इक्विवेलेंट है, इस बात का हम लोग ध्यान रखेंगे. मोल्स नहीं है, क्या है? इक्विवेलेंट है, तो इस बात का हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे. तो इनथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑलवेज लिखा हुआ है 57.7, एक कांस्टेंट नंबर है. HF के लिए इनथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ज्यादा होती है 57.7 से. इसका रीजन मेरे को बता सकते हो कोई? अब रीजन अगर तुम नहीं पता तो इसे अगले लाइन में रीजन लिखा है, दिस इज ड्यू टू द हाई हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ रिलीज बाई एफ माइनस आइन. एफ माइनस आइन बहुत हैवीली हाइड्रेटेड होता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज़्यादा निकलती है. इसलिए क्या होता है, जो एच एफ के केस में है वो इनथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन बहुत ज़्यादा आती है. ठीक, इनथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन बहुत ज़्यादा आती है. ठीक, अब रेजोनेंस एनर्जी क्या है? रेजोनेंस एनर्जी इज द डिफरेंस ऑफ एनर्जी ऑफ द मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फ्रॉम द रेजोनेंस हाइब्रिड इज कॉल्ड रेजोनेटिंग रेजोनेंस एनर्जी. तो डिफरेंस हमने ले लिया किसमें, रेजोनेंस हाइब्रिड और रेजोनेंस एनर्जी के बीच का, जो मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के बीच की जो एनर्जी गैप है उसे हमने क्या कह दिया, रेजोनेंस एनर्जी कह दिया. रेजोनेंस एनर्जी इज डेल्टा एच एक्चुअल माइनस डेल्टा एच थ्योरेटिकल. इनथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन, मान लो पॉलीमराइजेशन कर हम इथिन से पॉलीथिन बना रहे हैं, तो डिफरेंस बिटवीन द एनथैल्पी ऑफ वन मोल्स ऑफ मोनोमर एंड द एनथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द पॉलीमराइजेशन. तो डेल्टा एच अगर हम इस ऊपर वाले कंपाउंड के लिए बात करें तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट. अब बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट में देखो कितने मॉलिक्यूल्स हैं, एक सी डबल बॉन्ड सी है, एक सी डबल बॉन्ड सी लिखा और चार सी एच बॉन्ड है. प्रोडक्ट में देखो क्या है, दो सी सी बॉन्ड है नए बने हुए, दो सी सी बॉन्ड नए बने हुए हैं और चार सी एच बॉन्ड है. तो इनका जब डिफरेंस ले लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगी, हमें मिल जाएगी अपनी क्या, अपनी हमें मिल जाएगी इससे इनथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन. अब बात करते हैं कैलोरीमेट्री की, थोड़ी सी बात करेंगे कैलोरीमेट्री की, ज्यादा बात हमें नहीं करनी है. तो कैलोरीमेट्री की बात करते हैं. कैलोरीमेट्री क्या होता है? कैलोरीमेट्री बेसिकली हम लोग क्या करना चाहते हैं कि मान लो 10 ग्राम आइस है हमारे पास और इससे हम 100 माइनस 10 डिग्री पे, हमने मान लिया कि हमारे पास 10 ग्राम आइस है तो हम इसे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे, 100 से थोड़ा बढ़ा लेते हैं टेम्परेचर, 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स बनाना चाहते हैं. तो हमसे पूछा कि इसमें क्यों कितनी लगेगी, हमसे इसमें क्यों पूछा गया, तो हम बेसिकली हैस लॉ का यूज़ कर लेंगे. हैस लॉ क्या कहता है कि अगर हम एक रास्ते जाएँ या एक रास्ते से जाएँ या फिर हम घूम घूम के जाएँ तो क्या होगा, एनर्जी हमेशा कॉन्स्टेंट लगेगी. तो हम पहले माइनस 10 डिग्री आइस से 10 ग्राम आइस से माइनस 10 डिग्री 10 ग्राम आइस से हमने क्या बनाया, क्यू इक्वल्स टू एमएस डेल्टा टी यूज़ किया और हमने इसे बना लिया 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बना ली. इतनी बात समझ में आ गई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन गई है. अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे आइस बन गई तो हमने इसे क्या किया, क्यू इज इक्वल्स टू एम एल एफ, एम एल एफ मतलब लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, एल एफ इज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यूज कर ली तो इससे हमने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बना लिया. 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बन गया तो इसमें हमने क्यू इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी फिर से यूज किया. एस हमेशा स्पेसिफिक हीट ऊपर आइस की आएगी, एस ऑफ आइस लिख देते हैं, यहाँ पे एस ऑफ वाटर होगी. ठीक, तो इससे बन जाएगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वाटर बन गया तो इससे हमने क्या बनाया, Q इज इक्वल्स टू एम एल वी ले लिया तो इससे बना लिया 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर. 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर बना लिया और इससे हमने Q इक्वल्स टू एम एस डेल्टा टी फिर लगा दिया, लेकिन यहाँ पे वेपर लगाएंगे तो इससे बन जाएगा. तो इन सारी एनर्जीज का सम कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, हमें 110 डिग्री सेंटीग्रेड पे वेपर्स मिल जाएंगे, स्टीम मिल जाएगी और हम इस सवाल को आसानी से लगा पाएंगे, सारी वैल्यूज हमें गिवन होंगी. ये तो फिजिक्स वाला सवाल है कैलोरीमेट्री का. केमिस्ट्री में कैलोरीमेट्री में आता है बॉम्ब कैलोरीमीटर. क्या आता है,
अच्छा, तुम लोग में से कितने लोगों को पता है कि बॉम्ब कैलोरी मीटर को बॉम्ब कैलोरी मीटर ही क्यों कहते हैं? बॉम्ब कैलोरी मीटर को बॉम्ब कैलोरी मीटर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये पहले जमाने में जब पुराने बॉम्ब कैलोरी मीटर बनते थे तो ये फट जाता था, इसके अंदर जिसमें रिएक्शन होती है वो फ्लास्क फट जाता था, तो ब्लास्ट जैसा आवाज आती थी, इसलिए इसे बॉम्ब कैलोरी मीटर कहना शुरू किया। अब तो बहुत अच्छे होते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं आती ऐसी, लेकिन फिर भी मैं इसे ड्रॉ कर लेता हूँ बॉम्ब कैलोरी मीटर को। तो ये हमने एक इंसुलेटेड जैकेट बना ली, हमने क्या बना ली, इंसुलेटेड जैकेट बना ली एक। ये इंसुलेटेड जैकेट हो गई, ध्यान से देखना मेरी बात, अगर समझ में आएगी तो एक बार में ही आ जाएगी, कोई टेंशन नहीं होगी। ये इंसुलेटेड जैकेट बन गई, मतलब हम हीट ट्रांसफर नहीं होने देना चाहते। इसके अंदर हमने भर लिया पानी, इसके अंदर हमने भर लिया पानी। लास्ट टॉपिक है, थोड़ी देर और बियर कर लो, बहुत पेशेंस से सुन रहे हो, अच्छी बात है। इसमें हमने क्या लगाया, एक हमने फ्लास्क लिया इसमें, ठीक, और फ्लास्क हमारा खाली है। इसमें हमने प्लेटिनम के वायर लटका दिए और यहां पे एक प्लेट लगा दी जिससे इग्निशन वायर कह दिया, इसे क्या कह दिया, इग्निशन वायर कह दिया। यहां पे हमने सैंपल ले लिया, ये हमारा वाटर था, एक हमने इसमें स्ट्रायर लगा दिया, ठीक, एक क्या लगा दिया, स्ट्रायर लगा दिया। ये जो बॉल बनाया है इसे हम कहते हैं बॉम्ब। एक यहाँ पे थर्मामीटर लगा देंगे, बात समझ में आ रही। स्ट्रायर इसलिए लगाया क्योंकि जिससे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और ये कैलिब्रेटेड थर्मामीटर है, ठीक, ये क्या है, थर्मामीटर है, ठीक, और स्ट्रायर लगा दिया। अब क्या करेंगे कि इग्निशन करेंगे, इग्निशन से क्या होगा, इग्निशन से क्या होगा, सैंपल में कंबशन होगा, कंबशन होगा, और इसकी जो वॉल्स हैं, जो वॉल्स ऑफ बॉम्ब आर डायाथर्मल, डायाथर्मल मतलब कंप्लीट ट्रांसफर होंगे एनर्जी का। तो उससे क्या होगा, पानी हीट होगा, पानी हीट होगा, स्ट्रायर से घुमाते रहेंगे तो पानी रोटेट होता रहेगा, यूनिफॉर्मिटी बनी रहेगी, और टेम्परेचर हम मेंशन कर लेंगे, टेम्परेचर हम नोट कर लेंगे। तो इसे जब Q निकालने को आता है तो Q की वैल्यू आ जाती है कैपिटल M अपॉन स्मॉल m इंटू सी इंटू डेल्टा T। सब बता देता हूँ कौन कौन क्या क्या, सीधा सीधा सवाल आता है। कैपिटल M जो है दैट इज मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, M इज गिवन मास, C कैलोरी मीटर कॉन्स्टेंट है, C क्या है, कैलोरी मीटर कॉन्स्टेंट है। तो इस तरह से हम इससे क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके, किसी को कोई तकलीफ होनी नहीं चाहिए, ध्यान रखना। और हम लोगों ने इस तरह से, इसके बाद कॉफी कप कैलोरी मीटर है वो पढ़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि बॉम्ब कैलोरी मीटर के ही सवाल आते हैं, कॉफी कप कैलोरी मीटर अब यूज नहीं करा जाता, ठीक। तो इस तरह से हम लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स भी पूरी कंप्लीट कर ली, लंबा वीडियो था, तुम लोगों ने पेशेंस के साथ देखा, अच्छी बात है। अब इसके पी वाई क्यूज भी करने हैं, मैंने वीडियो बना के भी समझाया कि यार 70 और 30 का रेशियो रखो, इसे जल्दी जल्दी, मतलब वैसे तो काफ़ी तेज है, 2.5 घंटे में थर्मोडायनेमिक्स पूरी वन शॉट में करना मुश्किल काम है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने की है। तो इसे हम लोग अब कंप्लीट करके फिर हम इसके पी वाई क्यूज लगाएंगे। और यार इनऑर्गेनिक के पी वाई क्यूज की मैं शीट डाल रहा हूँ, केवल तुम कहो चलो उसके भी मैं कोशिश करूंगा कि उसे भी डिस्कस कर दूँ, क्योंकि इनऑर्गेनिक की अप्रोच खोलना ज़्यादा जरूरी है ना। तो दोनों के हम लोग पी वाई क्यूज करेंगे। तो इस बार जो वेन जो फ्री डे है उसमें थर्मोडायनेमिक्स की एडवांस शीट डिस्कस होगी, एक दिन डिले होगा, रीजन बीइंग कि हम लोग दोनों दिन लगातार पी वाई क्यूज, एक दिन थर्मोडायनेमिक्स के डिस्कस कर रहे होंगे और एक दिन उसका डिस्कस कर रहे होंगे, किसके, अपने पी, उसके पी ब्लॉक के, ठीक है। और भाई साथ साथ पी ब्लॉक के लिए जिन्हें जिन्हें दिक्कत हो रही है वो सब लोग पी ब्लॉक के जो मैंने पहले से वीडियो बना रखे हैं पी और डी वाले, उन्हें पूरा देख डालो, वहीं से करना है, ठीक है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आराम से पेपर करो, फ्री होके
एडवांस में बहुत अच्छे नंबर आएंगे। एक बार मैं एडवांस के लिए स्ट्रेटजी बताऊंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ठीक है? तो आसानी से सरल सरल सवाल उसमें भी ढूंढ के पेपर को किया जा सकता है, मैं करके दिखाऊंगा, तुम्हें कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है? चलो भाई मिलते हैं फिर, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं, लोगों को तक पहुँचाते रहो बस यार बात, अच्छा लग रहा है, ठीक है? तुम लोग काफ़ी अच्छे बच्चे हो यार, थैंक यू वेरी मच, बाय।